अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड पाना है? ओए हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। तुम एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानते। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। सुल्तान में सलमान और अनुष्का को कोचिंग किन नेशनल लेवल चैंपियन रेसलर ने दी थी? 5 स्पोर्ट बेस्ड फिल्म्स कौन सी हैं जिसमें एक्टर्स को रियल स्पोर्ट हीरोज ने ट्रेनिंग दी थी? स्पोर्ट्स और स्टार्स बॉलीवुड का कनेक्शन काफी पुराना रहा है। इंडिया में मेजर स्पोर्ट पर्सन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं माने जाते, इसलिए बॉलीवुड में हमें काफी सारे स्पोर्ट बेस्ड बायोपिक्स बनने में सर्च दिखा है। लेकिन स्पोर्ट पर्सन सिर्फ यहीं तक बॉलीवुड में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि ये भी इंश्योर करते हैं कि ऑन स्क्रीन इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में रियलिज्म और ऑनेस्टी भी आ सके, और ये खुद बॉलीवुड एक्टर्स को ट्रेनिंग देने का भीड़ा उठा लेते हैं। किन बॉलीवुड एक्टर्स को रियल स्पोर्ट हीरोज ने दी है ट्रेनिंग, जानते हैं बस थोड़ी ही देर में। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा की शान और जान सुल्तान अली खान और अरफा से, विच वॉज प्लेड बाय सलमान खान एंड अनुष्का शर्मा। इन्हें रिंग में असली पहलवान जैसा दिखने और लड़ने में ट्रेन किया था नेशनल लेवल चैंपियन जगदीश कालीरमन और पलविंदर छेमा ने। दोनों ही स्टार्स ने लगभग 6 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग की और अपनी स्टार इमेज को दर किनारे करके एक पहलवान की तरह सीखा, जो कि स्क्रीन पे मास्टर परफॉर्मेंस से जाहिर हो ही जाता है। तो वहीं 2016 की हाई फिल्म दंगल में भी आमिर और बाकी स्टार कास्ट की रेसलिंग काफी रियलिस्टिक लग रही थी, जिसका श्रेय जाता है कृपा शंकर पटेल बिश्नोई को। इन्होंने आमिर, फातिमा और सानिया को लगभग 1 साल तक दंगल के बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे गुण सिखा दिए। यहाँ तक कि असली रेसलिंग में भी ये सब मेडल लेके आए सके, इस विजन के साथ बिश्नोई ने इन्हें ट्रेनिंग दी थी। फिर है खिलाड़ी कुमार अक्षय को क्रिकेट का ज्ञान देने वाले बलविंदर सिंह संधू फॉर फिल्म पटियाला हाउस। संधू 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, और इन्होंने अक्षय को बॉलिंग का A to Z सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोच सर पटियाला हाउस की शूटिंग के थ्रू आउट टीम के साथ डटे रहे, ताकि मिनट से मिनट डिटेल पे नजर रख सके। देन स्पोर्ट्स बायोपिक अजहर, जिसमें इमरान हाशमी को अजहर बनाया खुद इंडियन फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने। इन्होंने हाशमी को बैटिंग एक्यूरेसी और ऑथेंटिक क्रिकेट शॉट्स में सुपरवाइज किया, क्योंकि अजहर का बैटिंग स्टाइल था ही उनका अनकन्वेंशनल कि सिर्फ वही इसकी ट्रेनिंग दे सकते थे। फिर है बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें सशांत को MS जैसा क्रिकेटर बनाने का काम सौंपा गया फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर किरण मोरे को। इन्होंने श्रुतान को कन्वेंशनल बैटिंग स्ट्रोक्स और खासकर MS धोनी स्पेशल हेलीकॉप्टर शॉट काफी एक्यूरेटली सिखाया, जिसके चलते रील और रियल लाइफ MS धोनी शॉट्स में डिफरेंस पकड़ पाना करीबन नामुमकिन सा हो गया था। एंड बायोपिक बाघ मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर को खुद OG मिल्खा सिंह ट्रेनिंग देने के लिए ग्राउंड पे उतरे और अपने रनिंग स्टाइल से फरहान को रूबरू करवाया। फरहान ने एडिशनली और भी फिटनेस कोचेस के अंडर 13 महीने की रिगोरस ट्रेनिंग ली, और तब जाके मिल्खा सिंह। इतनी कमाई के बाद भी क्यों सुल्तान को मिले नेगेटिव रिव्यूज? क्यों फंस गए थे सलमान खान?
दोस्तों अगर ये सब चीजें आपको जानी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। बेबी को बेस पसंद है, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, रे सुल्तान। 2016 की फिल्म सुल्तान तो आपको याद ही होगी। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान, अनुष्का शर्मा, रणदीप हुड्डा, अमित शाह जैसे कई सितारे थे। फिल्म को यश चोपड़ा के बैनर तले यशराज फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया गया था, जिसका संगीत विशाल शेखर के प्रसिद्ध जोड़ी ने दिया था। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी। ये आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों में से एक है। हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। आइए आज हम आपको फिल्म से जुड़े रिव्यूज के बारे में बताते हैं। देखा जाए तो फिल्म की रचना बहुत सोच समझ के की गई थी। इसमें एक वेले आदमी से एक बड़े खिलाड़ी का सफर दिखाया गया था, जो अपने देश के लिए मेडल लाता है, लेकिन इसी खिलाड़ी में जब गुरूर और एटीट्यूड भर जाता है तो किस्मत उसे कैसे जमीन पे लाके फेंकती है, ये भी खूब तरह से दर्शाया था। इसमें पहलवानी के ही 2 स्पोर्ट्स दिखाए गए थे और सलमान ने वाकई में इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी। वही अनुष्का शर्मा भी कुछ कम नहीं थी इसमें। उन्होंने भी सलमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस फिल्म को हिट साबित कर दिया, लेकिन क्रिटिक्स को शायद ये फिल्म इतनी ज्यादा नहीं भाई। उनका ये कहना है कि फिल्म को खामखा इतना बड़ा बनाया है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच किया है इस टॉपिक को। प्यार वार दिखाने तक तो ठीक ठाक था, लेकिन अननेसेसरी टॉपिक को ओवर स्ट्रेच किया है, ऐसा उन्होंने कहा। लेटेस्ट खबर तो ये है कि सुल्तान की सीक्वल बन रही है, जिसे एक बार फिर अली अब्बास जफर निर्देशित करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फिल्म की कहानी को लिखने का जिम्मा भी खुद अली ने ही ले लिया है। फिल्म में एक बार फिर सलमान खान का जादू और एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि आपको ये जरूर बता दें कि इस बार ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। सुल्तान का कौन सा गाना किया जा रहा है फिल्म के सीक्वल के लिए रीमेक? क्या तुलसी कुमार सुल्तान के सीक्वल में वापस से देंगी अपनी सुरीली आवाज? क्या इस बार सुपर डांस मूव्स करते हुए नजर आएंगे सुल्तान 2 में सलमान खान? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो में, जहाँ आपको मिलेंगी फिल्म जगत से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड भाई लौट रहे हैं अपनी सुल्तान फिल्म के सीक्वल के साथ। सुल्तान का पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस में धमाकेदार कलेक्शन करके गया था। सेकेंड पार्ट को भी उतना ही शानदार बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे मेकर्स। सेकेंड पार्ट में सलमान खान जहां परमानेंट रोल में नजर आएंगे, वहीं फिल्म की हीरोइन कौन होगी और फिल्म के बाकी के कैरेक्टर को लेकर कोई भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सुल्तान का पहला पार्ट जितना हिट हुआ था, उतना ही फिल्म के गाने उससे भी ज्यादा सुपरहिट हुए थे। साथ ही सुल्तान फिल्म के डायलॉग लोगों को आज भी जुबानी याद है, इसीलिए फिल्म के सेकंड पार्ट में सुल्तान फिल्म का एक सुपरहिट सॉन्ग वापस से रीमेक किया जाने वाला है। जैसा कि हमने धूम फिल्म में देखा है कि हर सीक्वल में फिल्म के टाइटल ट्रैक धूम मचाले को एक नए तरीके से पेश किया जाता है, इसी तरह से सुल्तान की भी सीक्वल में सुल्तान फिल्म के टाइटल ट्रैक को वापस से रीमेक करके एक नए अंदाज के साथ दिखाया जाएगा। फिल्म के टाइटल ट्रैक को इस बार नए तरीके से दिखाने के लिए इस गाने को डुएट में गाया जा सकता है। खबरें आ रही हैं कि सुल्तान के सेकंड पार्ट में सिर्फ सलमान खान नहीं बल्कि एक हीरोइन भी ऐसी होंगी जो कि फिल्म में एक अहम किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म के सेकंड पार्ट में स्क्रीन टाइमिंग जितनी सलमान खान की होगी उतनी ही स्क्रीन टाइमिंग फिल्म की हीरोइन की भी होगी, इसीलिए टाइटल ट्रैक को डुएट में गाया जा सकता है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों की ही बहादुरी और पहलवानी को गाने के जरिए दर्शाया जाएगा। वह हीरोइन कौन होगी जो इस बार सलमान खान के साथ इक्वल स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी, इसका खुलासा अभी तक फिल्म मेकर्स ने नहीं किया है।
जहाँ सुल्तान फिल्म की गानों की बात हो ही रही है, तो चलिए एक और गाने की बात कर लेते हैं जिससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। फिल्म के टाइटल ट्रैक से हटकर सुल्तान मूवी में एक और गाना था जो कि सुल्तान में सुपर डुपर हिट हुआ था और वह था सलमान खान का रोमांटिक सॉन्ग ट्रैक जग घूमया। इस फिल्म को बॉलीवुड की टॉप सिंगर तुलसी कुमार ने गाया था। इस गाने का जो फीमेल वर्जन था उसके लिए तुलसी कुमार को सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इसलिए इस बार सेकंड सीक्वल में भी तुलसी कुमार फिल्म में एक रोमांटिक सॉन्ग ट्रैक पर प्ले करती हुई दिखाई देंगे और अपनी सुरीली आवाज देंगे। जहां एक तरफ फिल्म के टाइटल ट्रैक का रीमेक बनाया जा रहा है और साथ ही रोमांटिक सॉन्ग ट्रैक की बात हो रही है, ऐसे में एक अहम सवाल ये खड़ा होता है जो ज्यादातर देखा गया है कि सलमान खान अपनी फिल्मों में सुपरहिट डांस करते हुए दिखाई देते हैं। सलमान खान का काफी अलग अंदाज और डांस टैलेंट इस बार सुल्तान के सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा। साथ ही वह एक डांस नंबर पर भी परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। सुल्तान के सीक्वल में पूरे तरीके से ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। ऐश्वर्या और सलमान खान के प्यार की शुरुआत हुई थी और किस फिल्म से माधुरी दीक्षित और सलमान खान के प्यार को जुदा होना पड़ा था। वैसे तो सलमान खान एक ऐसे एक्टर है जिनको बॉलीवुड में रोमांटिक हीरो के दौरान पे ज्यादा पसंद किया जाता है। उनकी एक्शन फिल्में भी कोई कम नहीं है, लेकिन उनका जो रोमांटिक अंदाज है वो हर कोई देखना चाहता है और वो कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं लोगों को अपने रोमांटिक अंदाज में। तो आइए कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। बॉलीग्राज स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ दर्शिता रोहरा और कुछ ऐसी फिल्मों के लिए हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। 1994 में आई हम आपके है कौन, जिसको निर्देशित किया था सूरज बड़जात्या ने, बहुत ही फेमस फिल्म है। सलमान खान ज्यादातर फैमिली ड्रामा फिल्म करना पसंद करते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने एक आशिक का रोल निभाया था। प्रेम यानी कि जो सलमान खान है वो अपने ही भाई राजेश जिनकी साली निशा से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन बाद में निशा की बहन की मौत हो जाती है और उनको अपने ही जीजा से शादी करनी पड़ जाती है। अब ऐसे में सलमान खान का दिल टूट जाता है। इस फिल्म ने काफी सारे रिवॉल्यूशन लाए थे बॉलीवुड में, जैसे कि दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे लो और भी बहुत सारे ऐसे गाने जो बॉलीवुड में बहुत हिट हो गए थे। इसी बीच बॉलीवुड की एक चहेती जोड़ी जो कि थी ऐश्वर्या और सलमान की, उनके प्यार की शुरुआत हुई थी 1999 में हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन थे। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में सलमान खान को अजय देवगन की वाइफ यानी कि ऐश्वर्या से प्यार हो जाता है। अजय देवगन उन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। अब इस फिल्म में आगे क्या हुआ इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी जरूर चाहिए। चांद छुपा बादल में या फिर ऐसे ही बहुत सारे और भी गाने जो इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे उसको तो आज तक लोग सुनते ही आ रहे हैं, आपने भी सुना ही होगा। सलमान खान को आज भी एक रोमांटिक हीरो के नाम पर जाना जाता है और वो उसी रोल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अब उन फिल्म की लिस्ट की हम बाद में भी कभी रुचि बना सकते हैं। आज हम सलमान खान के फैंस के लिए कुछ ऐसी न्यूज लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही खुश कर देगी, और वो ये है कि 2016 में आई सुल्तान की सीक्वल की बात अब बिल्कुल ही तय हो चुकी है। अली अब्बास जफर और सलमान खान इस बात में ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। बन गए थे सलमान खान, ड्यूटी या प्यार किसके लिए लड़े थे बॉडीगार्ड। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉडीग्राफ स्टूडियोज में।
मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। सलमान खान के फैंस उन्हें जितना रोमांटिक फिल्मों में देखना पसंद करते हैं, शायद उससे भी ज्यादा सलमान उन्हें एक्शन करते पसंद आते हैं। यही वजह है कि फैंस आए दिन उनसे नई एक्शन फिल्म्स की मांग करते रहते हैं। आजकल सलमान चर्चा में है 2016 में आई अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि सुल्तान के सीक्वल को लेकर। सीक्वल के बारे में हम कई बातें आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आइए उससे पहले जान लेते हैं सलमान की आज की कुछ बेस्ट एक्शन फिल्मों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं साल 2014 में आई सलमान की फिल्म किक के बारे में। अपने नाम भर से एक्शन की झलक दिखाने वाली इस फिल्म में काफी धमाकेदार एक्शन सीन थे। फिल्म में सलमान रणदीप हुड्डा के साथ फाइट्स करते नजर आते हैं। फिल्म की खास बात ये थी कि फिल्म में सलमान डेविल होने के बावजूद भी हीरो थे और रणदीप हीरो होने के बावजूद भी नेगेटिव दिख रहे। 400 करोड़ रुपए की कमाई वाली ये फिल्म आज भी याद की जाती है। अगली फिल्म है सलमान की सबसे हिट और मशहूर टाइगर सीरीज। इस सीरीज की खासियत ये है कि ये अपने एक्शन के लिए ही जानी जाती है। पहले और दूसरे इंस्टॉलमेंट्स को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद अब मेकर्स इसका थर्ड पार्ट भी जल्द ही लाने वाले हैं। फिल्म में सलमान के ऑपोजिट कैटरीना कैफ का होना इससे और भी ज्यादा खास बना देता है। और फिर सलमान ही नहीं बल्कि कैटरीना कैफ भी कमाल का एक्शन करती फिल्म में दिखाई देने वाली है। आज की इस लिस्ट में आखिरी फिल्म है 2011 की आई बॉडीगार्ड। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में करीना कपूर खान के बॉडीगार्ड लवली के रूप में सलमान सबको लवली लग रहे और लोग उनके जैसा बॉडीगार्ड और बॉयफ्रेंड पाने की चाह करने लगे थे। पहले अपनी ड्यूटी और फिर अपने प्यार को बचाने के दौरान फिल्म में सलमान कई खतरनाक एक्शन सीन्स करते दिखाई देते हैं। अब बात अगर सलमान की आने वाली फिल्म सुल्तान के सीक्वल की है तो फिल्म का नाम सुल्तान राइज अगेन रखा गया है। और ये बात जफर द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में सलमान एक बार फिर धड़ाधड़ एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। इस बार खास बात ये होगी कि जैसे पिछली फिल्म में कोई विलन नहीं था और सलमान सिर्फ रिंग के अंदर अपने ओपोनेंट के साथ कुश्ती के दौरान ही एक्शन करते दिखाई दिए थे, जबकि अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ओए एमए नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। सुल्तान 2 में अब की बार अनुष्का शर्मा नहीं बल्कि ये न्यू एक्ट्रेस दिखने वाली हैं। और क्या सुल्तान 2 में हमें इस सॉन्ग का रीमेक देखने को मिल सकता है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो चलिए आज मैं आपकी होस्ट शुरू करती हूँ आपके साथ आज का वीडियो जो कि बेस्ड है अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी यानी कि सुल्तान 2 पर। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सलमान खान अब इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, इसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ चुकी है। और ये बात तो वो खुद भी जानते हैं कि उनके फैंस कितने एक्साइटेड हैं उनकी इस मूवी के लिए। और साथ ही सुल्तान के बाद हमें फिर सलमान खान की इस मूवी में नजर आ सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। पर कुछ सोर्सेस के अनुसार वो हमें दबंग 4, कभी ईद कभी दिवाली और धूम 4 में नजर आ सकते हैं, पर अभी उनका सारा का सारा ध्यान है सुल्तान 2 पर, जो कि वो जल्द से जल्द बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में हमें अनुष्का शर्मा नहीं बल्कि ये न्यू एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है? वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि नुसरत भरूचा है, जिन्हें ये मौका मिल सकता है क्योंकि हो सकता है कि इस मूवी में सलमान खान किसी न्यू एक्ट्रेस के साथ काम करने का डिसीजन ले और नुसरत भरूचा को फिल्म सुल्तान में लेकर एक बड़ा दाव खेला जाए, क्योंकि नुसरत भी काफी कमाल की एक्ट्रेस हैं और वो अनुष्का शर्मा के लिए सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट साबित हो सकती हैं। और साथ ही जरूर उनके होने से इस मूवी को फायदा ही होगा और फैंस भी इस मूवी को काफी एंजॉय करेंगे और इस मूवी को एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने में अपना योगदान भी देंगे। अगर हम बात करें कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी में हमें किसी फेमस ओल्ड सॉन्ग का रीमेक देखने को मिल सकता है, तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि इस मूवी से जुड़ी फिलहाल एक रिपोर्ट आई है, वो ये है कि हमें साइबो का रीमेक देखने को मिल सकता है। अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ओए एमए नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है।
इसके साथ उनकी जोड़ी ने बढ़ा दी थी फिल्म की शान। किस फिल्म में रोमांटिक सीन में एक्टर से ज्यादा हुई थी पूजा की तारीफ? सलमान के साथ किस फिल्म में नजर आने वाली है पूजा हेगड़े नजर? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े बला की खूबसूरत है और वो हमेशा ही एक पॉजिटिव वाइब देती नजर आती है। उनके अलावा उनका पावरफुल कॉन्फिडेंस उन्हें बेहद खास बनाता है, शायद इसीलिए वो अपने हर एक को-स्टार के साथ परफेक्ट मैच लगती है। पूरे देश भर से उन्होंने कई बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया है और हर एक के साथ उनकी जोड़ी जची भी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सब में से सबसे ज्यादा उनकी जोड़ी किसके साथ अच्छी लगी? चलिए ये हम आप पर छोड़ देते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, पूजा ने 2016 में फिल्म मोहनजोदारो से अपना बॉलीवुड डेब्यूट किया था, जहां उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में ऋतिक रोशन जैसे स्टार के साथ काम किया था। ऋतिक खुद इतने हैंडसम है कि उनके सामने कभी कभी एक्ट्रेस फीकी पड़ जाती है, लेकिन पूजा एक ऐसी एक्ट्रेस है जो उनके साथ काफी जच रही थी। पहली फिल्म होने के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस लाजवाब था। अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन के साथ उनकी जोड़ी के बारे में। अल्लू अर्जुन के साथ पूजा हेगड़े कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, जिसमें से डीजे और अल्लाह जैसी फिल्में भी शामिल हैं। अब भाई ये बात तो खुद अल्लू भी बोल चुके हैं कि जिस तरह का काम उनकी फिल्मों ने किया है उनमें उनके अलावा पूजा हेगड़े का बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ तक कि उन्हें भी बराबरी का प्यार मिलना चाहिए। वही दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अरविंदा समेथा वीरा राघवा में वो जूनियर NTR के साथ नजर आई थी। NTR की पूरी फिल्म में होने के बावजूद पूजा ने हर सीन और गानों में अपने आप को संभाले रखा और अपनी छाप भी छोड़ दी। ऐसा ही कुछ महेश बाबू के साथ भी हुआ जब वो उनके साथ महर्षि में दिखी थी। ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें उन्होंने खुद के बलबूते पर महेश को भी अच्छा दिखा दिया था। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पूजा की जोड़ी सिर्फ उनके एज के एक्टर्स के साथ ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई महारथी ऐसे भी हैं जिनके साथ वो अच्छी लगती हैं, जिसमें अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है। अगर आपको याद हो, हमने हाउसफुल 4 में पूजा हेगड़े और अक्षय कुमार को एक साथ काम करते हुए देखा था। ऐसे ही सीनियर स्टार सलमान खान के साथ भी वो बहुत ही जल्द फिल्म सुल्तान के सीक्वल में नजर आने वाली है। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म का नाम सुल्तान राइज अगेन रखा गया है, जिसके प्रीक्वल में सलमान के ऑपोजिट अनुष्का शर्मा थी। इसके अलावा भी सलमान के साथ वो एक और फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में दिखेंगी, यानी कि एक साथ दो दो फिल्मों में सलमान खान के साथ काम करने का मौका पूजा को मिला है। पूजा फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है, जिसके बारे में वो अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड पाना है? ओए नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। क्या सुल्तान 2 हो सकती है हॉलीवुड इंडस्ट्री की इस मूवी का रिमेक, और क्या सुल्तान 2 में हमें सलमान खान के साथ काम कर चुकी इस एक्ट्रेस का रिटर्न देखने को मिल सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस मूवी के बारे में जिसने इंडिया में रेसलिंग मूवीज का ट्रेंड सेट किया था और साथ ही बॉलीवुड की पहली बार रेसलिंग थीम पर ब्लॉकबस्टर मूवी बनी थी, और इसीलिए अब इस मूवी के सीक्वल आने की खबर जोरों शोरों से चल रही है और इस मूवी का क्रेज अब काफी ज्यादा है, क्योंकि सलमान खान को इंडिया के सबसे बड़े मेगा स्टार का नाम से जाना जाता है और इसीलिए उनकी मूवीज बस उनके नाम से ही ब्लॉकबस्टर बन जाती है। पर लास्ट कुछ इयर्स में उनकी मूवीज को काफी हेट रेट का सामना करना पड़ा है।
हम सभी जानते हैं इस ईद पर राधे रिलीज हुई थी, जो अपने बॉक्स ऑफिस सिलेक्शन से उतना खुश नहीं कर पाई। साथ ही साथ सलमान खान के तमाम फैंस भी काफी मायूस हुए थे फिल्म देखने के बाद। अब ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि सुल्तान का सीक्वल यानी सुल्तान 2 वापस से भाईजान के खोए हुए चार्म को वापस ला सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि सुल्तान 2 एक रीमेक हो सकती है, वो भी मशहूर हॉलीवुड मूवी द रेस्लर की। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सलमान खान की ज़्यादातर मूवी किसी फेमस मूवी से ही इंस्पायर्ड या रीमेक रहती है, और इसीलिए अब हो सकता है कि सुल्तान 2 में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले। साथ ही द रेस्लर की बात करें तो उस मूवी में हमें मार्जरेट रॉबी और मार्शा टोमी नजर आए थे, और उस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी थी, और इस वजह से उस मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। फिल्म की रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए अगर सुल्तान 2 इस मूवी का रीमेक बनेगी तो निश्चित तौर पर सुल्तान 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को काफ़ी फायदा होगा। वैसे इस मूवी में हमें सलमान खान के साथ काम कर चुकी एक एक्ट्रेस का भी कैमियो अपीयरेंस देखने को मिल सकता है, और शायद वो एक्ट्रेस होंगी भाग्यश्री, जो कि इस फिल्म में एक पॉलिटिशियन की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकती हैं, जिसकी मदद से सलमान खान को फॉरेन यूएफसी लीग में जाने का वीजा प्राप्त होगा। फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ यूं आगे बढ़ती है कि वहां जाकर सलमान खान बड़े बड़े रेसलर्स को हरा देते हैं और ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड पाना है? ओए नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। तू एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानती। सुल्तान जैसी और कौन सी फिल्में हैं हमारे बॉलीवुड में? हॉलीवुड की कौन सी फेमस फिल्में हैं रेसलिंग और बॉक्सिंग पर बेस्ड? सुल्तान 2 का स्टैंडर्ड हाई क्यों होना चाहिए? जानने इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट कंदा अनविता पाठक, और स्वागत करती हूँ आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, जहाँ आपको मिलती है मसालेदार गॉसिप्स और सभी लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, जब भी हम सलमान खान की अच्छी फिल्मों की बात करते हैं तो सुल्तान का नाम तो सबके जुबान पर आ ही जाता है। रेसलिंग बेस्ड ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने स्पोर्ट्स जॉनर को भी कुछ नया दिया, और इसे कंट्री वाइड काफी पसंद किया गया। बॉक्सिंग और रेसलिंग से जुड़ी फिल्में बॉलीवुड में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इन फिल्मों की बात करें तो 2006 की आर्यन अनब्रेकेबल, 2007 की अपने, 2014 में आई प्रियंका चोपड़ा स्टार और मैरी कॉम, अक्षय कुमार की 2015 में आई ब्रदर्स, 2016 की साला खडूस, सुपरहिट फिल्म दंगल, तो हाल ही में आई फरहान अख्तर की तूफान को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। इसलिए अब दर्शकों को इच्छा भी है और उम्मीद भी कि इस तरह की और भी मूवीज जरूर आएंगी, आनी भी चाहिए भाई। दर्शकों ने इन फिल्मों को हमेशा प्यार जो दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सुल्तान की सीक्वल यानी सुल्तान 2 भी इसी फील्ड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी या नहीं। खैर, अगर आप इस जॉनर के फैन हैं तो तब तक आपको कुछ ऐसी हॉलीवुड फिल्में भी देखने के लिए हम बता सकते हैं जो बॉक्सिंग या रेसलिंग से ही संबंधित है, और शायद इन्हीं से इंस्पायर होके हमारे पास सुल्तान और दंगल जैसी फिल्में भी बनी है। ये फिल्में हैं रॉकी, रेगिंग बुल, मिलियन डॉलर बेबी, द रेसलर, सिंड्रेला मैन, क्रीड और वॉरियर। इन फिल्मों को देखकर आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं वापस अपनी फिल्म सुल्तान 2 पर।
सुल्तान की सक्सेस देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल वैसी फिल्म होगी जैसे अभी तक बॉलीवुड में नहीं आई। स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए दोस्त, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा हैं। सुल्तान 2 की हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि सुल्तान 2 देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म से। अभी के लिए हम लेंगे इजाजत और मिलेंगे नए वीडियो में नई खबरों के साथ। इसलिए आप हमारे वीडियो देखते रहिए रोज, ताकि मिलती रहे आपको बॉलीवुड की डोज। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी ही मजेदार जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कौन है? नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। किसने की इस सुल्तान 2 रिजेक्ट? कब होगी लीड फाइनल? क्या कहा आदित्य ने कंगना को कॉल करके? बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत वाकई इंडस्ट्री की क्वीन है। वो अपने दिल की बात कहने से कभी हिचकिचाती नहीं है और ऐसे ऐसे खुलासे कर डालती है तो लोगों को हिला कर रख देते हैं। इस बात कंगना रनौत ने जो खुलासा किया है जिसे जानकर लोग बहुत चक्के रह गए हैं, वो ये कि सुल्तान 2 को छोड़ने का फैसला लेते ही आदित्य चोपड़ा ने उन्हें कॉल करके कहा था कि वो उनके साथ भविष्य में कभी काम नहीं करेंगे। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। कंगना रनौत ने बताया कि उन्हें सुल्तान 2 के लिए अप्रोच किया गया था जिसे करने से मैंने इनकार कर दिया। जब मैंने फिल्म के लिए ना कहा तो आदित्य चोपड़ा ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा। जब आप बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को मना करते हैं तो ऐसा होता है। फिर कंगना रनौत ने फिल्म संजू के बारे में भी बात की और बताया कि रणबीर कपूर खुद उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे और उन्होंने मुझे संजू ऑफर की थी। मुझे फिल्म में जो किरदार ऑफर किया गया था वो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए फिल्म में करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैंने फिल्म को करने से इनकार कर दिया। अब आप ही सोचिए, कौन सी दूसरी लड़की इस फिल्म को ना कहती? क्या आपको भी ये फिल्म ऑफर होती तो क्या आप मना करते? हम तो कभी नहीं करते। खैर बता दे, सुल्तान 2 को रिजेक्ट करने पर जब कंगना रनौत से पूछा गया कि वो पर्दे पर किसका किरदार निभाने के लिए बेचैन है तो उन्होंने बताया, मैं हमेशा से मधुबाला जी को एडमायर किया है, अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं उनको प्ले करना चाहूंगी। अनुराग बसु ने मुझे किशोर कुमार की बायोपिक में मधुबाला का किरदार ऑफर किया था जिसमें रणबीर कपूर किशोर। अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कौन है? नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। कितने रिकॉर्ड तोड़े थे फिल्म सुल्तान ने? कमाई के मामले में कैसे बनी थी सुल्तान पहली फिल्म? सुल्तान 2 में कौन होगी सलमान के ऑपोजिट? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी। ईद के मौके पर उस साल रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सलमान खान की फिल्म सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती नजर आई। अब क्योंकि सुल्तान 2 भी बन रही है तो क्या सुल्तान 2 भी तोड़ पाएगी कमाई के सारे रिकॉर्ड्स? बता दें, सलमान अनुष्का स्टारर ये फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। ये फिल्म बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने 7 दिन में 200 करोड़ रुपए की बेहतरीन कमाई की थी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर बताया कि सलमान की अब तक की फिल्में 3 फिल्में किक, प्रेम रतन धन पायो और सुल्तान 200 करोड़ क्लब में शामिल है और एक फिल्म बजरंगी भाईजान 300 करोड़ क्लब में सिर्फ 7 दिन में पहुंची है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक और ट्वीट करते हुए बताया कि फिल्म सुल्तान ने इतिहास रचा है, पहली हिंदी फिल्म जिसने 7 दिन में 200 करोड़ की कमाई की। इससे पहले पीके, बजरंगी भाईजान और फिल्म धूम 3 को ये आंकड़ा छूने में 9 दिन का समय लगा था। अब देखना यह है कि सुल्तान 2 क्या दमखम दिखाती है। फिल्म की कुल कमाई की अगर बात करें तो फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर
36.5 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 37.3 करोड़ रुपए रहा था। तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 31.5 करोड़ रुपए रहा था, जो कि पहले दिन के मुकाबले 5 करोड़ रुपए कम था। चौथे दिन शनिवार को फिल्म ने लगभग 30 करोड़ रुपए की कमाई की। पांचवे दिन 38.21 करोड़ और छठे दिन 15.54 करोड़ की कमाई की। छठे दिन में फिल्म ने करीब 195.90 करोड़ की बेहतरीन कमाई की थी और सातवें दिन ये फिल्म 200 करोड़ पार कर गई। क्या सुल्तान 2 भी ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही बता दें कि ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म सुल्तान में सलमान खान ने हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट अनुष्का शर्मा नजर आई थी। बता दें इस फिल्म की समीक्षकों ने भी काफी तारीफ की थी। पहली बार अनुष्का और सलमान एक साथ किसी फिल्म में नजर आए थे। अब सुल्तान 2 में अनुष्का को लेने की बात ने एक बार फिर से जोर पकड़ा था, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कौन सी हीरोइन होगी सलमान के ऑपोजिट। कई हीरोइनें तो ये रोल करने से मना भी कर चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कंगना रनौत है। लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि सुल्तान 2 की रिलीज 2023 के ईद के मौके पर होगी, क्योंकि ईद पर तो मानो सलमान ने पेटेंट ले रखा है। इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि सुल्तान 2 को ईद पर ही रिलीज किया जाएगा। तो आपको कितना इंतजार है 2023 की ईद का, और अब सलमान के ऑपोजिट सुल्तान 2 में किसे देखना पसंद करेंगे, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर। पाकिस्तान और इंडिया की कैसे हुई सुल्तान में दोस्ती? क्या दंगल और सुल्तान एक बार फिर होंगे आमने सामने? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इन दोनों के बीच हमेशा से ही एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग डिबेट देखने को मिली है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन एक तरफ है यूथ जो कि लेजीनेस के चलते ढूंढ ही लेते हैं कोई ना कोई शॉर्टकट। ऐसे में ही कंक्लूजन निकलता है कि दोनों का मर्जर एक सॉलिड और परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को जस्टिफाई करने आ रही है अली अब्बास जफर की नई पेशकश अपनी अपकमिंग सीक्वल सुल्तान 2 के साथ, जिसमें सलमान खान का हार्ड वर्क और मेकर्स का स्मार्ट वर्क ऑन स्क्रीन उड़ान भरता नजर आएगा। 18 मंथ्स के रिगरस हार्ड वर्क के बाद ही बॉडी को फुल फ्रेम में लाने के बाद ही होगी सलमान की फिल्म में एंट्री। पाकिस्तान के साथ इंडिया के कभी भी अच्छे तालुकात नहीं रहे हैं, लेकिन इसका सिनेमा के काम पर कोई भी असर नहीं हुआ। सब लोग हमेशा से ही आपस में एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं और बेहतर करने को लेकर इंस्पायर करते ही दिखे हैं। लेकिन इस बार होगी पाकिस्तानी टैलेंट की इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में एंट्री। मीशा शेफी, जो कि बहुत पॉपुलर पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर है, इस फिल्म के साथ करने जा रही है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन। साथ ही जब से सुल्तान 2 के आने की खबर ने मीडिया में बज क्रिएट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ दंगल 2 के भी जल्द ही रिलीज होने की खबर से लोग दोनों फिल्मों को कंपेयर करने लगे हैं। हो सकता है कि इन दोनों फिल्मों की डेट भी आसपास में क्लैश करते देखी जाए, और अगर ऐसा होता है तो इस बार कॉम्पिटिशन एकदम टक्कर का देखा जाएगा। फिल्म का पहला पार्ट रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर मेकर्स द्वारा बनाया गया था, और इस बार भी कुछ इसी तरह का जॉनर फिल्म में देखने को मिलेगा। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, बागी, इन सभी फिल्मों को एक बेहतरीन साउंड इफेक्ट देने के बाद जूलियस पैकियाम करने जा रहे हैं फिल्म सुल्तान 2 का स्कोर म्यूजिक लीड। हो सकता है इस बार फिल्म को सुल्तान की बेटी लीड देती नजर आएगी, क्योंकि पिछली फिल्म जहां खत्म हुई थी उसके अंत में सुल्तान पिता बन चुके थे, और सुल्तान अपनी बेटी को कोच करते हुए देंगे एक नई पहचान। अगर आपको भी है सुल्तान 2 के जल्द से जल्द रिलीज होने का इंतजार, तो जुड़े रहिए बॉल। ये मैच अब इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है, संदीप वर्सेस पाकिस्तान है। क्या बड़ा क्या सीक्वल के लिए सुल्तान है ऑन रोल? क्या सुल्तान बन सकता है बॉलीवुड का रॉकी? क्या अपनी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड के सीक्वल में मौका देंगे सुल्तान? दोस्तों, अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित सुल्तान हरियाणा के एक पहलवान के बारे में है, जिसे कि दोस्तों सलमान ने निभाया था।
दोस्तों बता दूं कि फिल्म में अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में थी और ये फिल्म साल 2016 में ईद के मौके पर रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज के कुछ ही दिन पहले ही सीक्वल की चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2016 में रिलीज हुई सुपरस्टार सलमान खान की हिट फिल्म सुल्तान के आने वाले सीक्वल सुल्तान 2 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुल्तान फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। हो सकता है कि आप अपनी ईद की दावत से पहले ही उबर चुके हों, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जब तक कोई सीक्वल नहीं आता तब तक सुल्तान का हैंगओवर बना रहेगा। हाँ दोस्तों, फिल्म केवल 2 दिनों के लिए सिनेमाघरों में रही थी तब ट्रेड एनालिस्ट को पूरा यकीन था कि ये पहले दिन में ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। इसलिए दोस्तों अगर ये सीक्वल के लायक नहीं है तो हमें नहीं पता कि और क्या हो सकता है। वहीं दोस्तों कुछ कारण हैं जिनसे हम शर्त लगा सकते हैं कि आने वाले सीक्वल में हमें सुल्तान के बारे में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सलमान इज ऑन रोल। दोस्तों सलमान की अनगिनत फिल्में जैसे वीर, जय हो और रेड्डी जैसी बड़ी फ्लॉप फिल्मों के बावजूद हम केवल उनकी सुपरहिट फिल्में याद रखना चाहते हैं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर संस्कारी प्रेम, हरियाणवी सुल्तान और दोस्तों निश्चित रूप से बहुत अच्छे बजरंगी के रूप में धमाल मचाया है। सलमान की फिल्मों ने न केवल बड़ी ओपनिंग होती है बल्कि दोस्तों रिकॉल वैल्यू भी बड़ी होती है। वहीं क्या आदित्य चोपड़ा सुल्तान के सेकेंड पार्ट के लिए हैं ऑन बोर्ड? दोस्तों बता दूं कि मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक निर्माता आदित्य चोपड़ा ने पहले ही सुल्तान के निर्देशक अली अब्बास जफर को सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए कहा है। सप्ताह के बीच में रिलीज होने के बावजूद सुल्तान ने अकेले दिन के अंत में 70 करोड़ रुपए के आसपास की कलेक्शन की थी। एक निर्माता और क्या मांग सकता है दोस्तों, इसलिए सुल्तान 2 पूरी तरह से पैसे के हिसाब से सेफ है। सलमान की उम्र भले ही कम हो रही हो लेकिन दोस्तों उनका लंगोट एक्ट उन्हें और ज्यादा पॉपुलर जरूर कर रहा है। तो और क्या, सुल्तान बन चुके हैं बॉलीवुड के रॉकी भाई। तो दोस्तों हम इस फैक्ट से बहुत अधिक सुन रहे हैं कि सुल्तान सिल्वेस्टर स्टैलोन और रॉकी के जन्मदिन पर रिलीज हुई थी, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सलमान सुल्तान की फ्रेंचाइज के साथ बड़ी सफलता की राह पर जा रहे हैं। जैसे हॉलीवुड फिल्म रॉकी सिल्वेस्टर स्टैलोन को मेगा स्टार के रूप में डिफाइन करने के लिए आई थी, दोस्तों रॉकी की तरह सुल्तान में भी कुछ बुरे झगड़े, इमोशनल ड्रामा और एक गिरे हुए नायक के बारे में फिर से उठाने का फील गुड फैक्टर है। 1976 में ओरिजिनल फिल्म के आने के बाद से रॉकी फ्रेंचाइज को 7 हिट मिली है। दोस्तों ऐसे में हमें आश्चर्य होना चाहिए कि हमारे पास कितने सुल्तान होंगे और हमें यकीन है कि सलमान अभी रुकने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों नई खबर ये है कि सुल्तान 2 यूलिया वंतूर के लिए एकदम सही लॉन्च पैड हो सकती है। मुझे लगता है कि सुल्तान 2 में सलमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर कब्जा करेंगे और एक ग्लोबल आइकॉन के रूप में उभरेंगे। तो और दोस्तों भाई आने वाले हैं साल में अपनी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर से शादी कर सकते हैं। ये बॉलीवुड की दुनिया में रोमाई नई टीवी होस्ट का स्वागत करने का एक सही तरीका हो सकता है। तो जब दोस्तों यूलिया वंतूर खान बनेंगी तो वो केवल सलमान के साथ काम करेंगी या उनके होम प्रोडक्शन में भी काम करेंगी? ऐसे में हम एक अच्छी तरह से एक बॉक्सिंग रिंग सीन की इमेजिनेशन कर सकते हैं। जब सलमान अपने ऑपोजिट शायद एक रोमानी रेसलर को मुक्का मारने वाले हैं जो वो भीड़ में अपनी खूबसूरत पत्नी को देखते हैं और दोस्तों पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं और अचानक जोरदार मुक्का मारते हैं। अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कौन है? एमए नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। होगी फिल्म की फीमेल लीड? क्या फिल्म की एक्ट्रेस का होने वाला है नेगेटिव किरदार? क्या अनुष्का नहीं करना चाहती सलमान खान के साथ सीक्वल के लिए कोलैबोरेशन? अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित फिल्म सुल्तान हरियाणा के एक पहलवान की स्ट्रगल की कहानी को बताती है जिसमें सुल्तान अली का किरदार सलमान खान ने निभाया था। फिल्म में अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में थी। ये फिल्म साल 2016 में ईद पर रिलीज की गई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2016 में रिलीज हुई सुपरस्टार सलमान खान की हिट फिल्म सुल्तान के आने वाली सीक्वल सुल्तान 2 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में
आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। सलमान खान की सुल्तान 2 के अगले साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री और पूरी कास्ट के बारे में बहुत से अनुमान लगाए जा रहे हैं। जहाँ अलग अलग अभिनेत्रियों के फिल्म में सलमान की एक्ट्रेस के रूप में नजर आने की अफवाह है, वहीं फिल्म के फीमेल लीड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अगले साल जनवरी में ही दी जाएगी। सुल्तान के निदेशक अली अब्बास जफर ने कहा है कि सलमान खान स्टारर फिल्म की फीमेल लीड की स्क्रीन पर ज्यादा प्रेजेंस नहीं होगी और इसलिए ज्यादातर सीक्वेंस उनके बिना ही फिल्माए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म की मुख्य अभिनेत्री की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगले साल की शुरुआत में की जाएगी। कैश न्यूज ने अली के हवाले से कहा, सुल्तान 2 के ज्यादातर हिस्से बिना फीमेल लीड के शूट किए जाएंगे। हम सुल्तान 2 की फीमेल लीड की अनाउंसमेंट जनवरी के अंत तक करेंगे। इससे पहले परिणीति चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा के नाम प्रोजेक्ट से जुड़े थे। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और परिणीति ने हाल ही में ट्विटर पर कहा है कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं है। रिपोर्ट की माने तो सुल्तान के सीक्वल की लीडिंग एक्ट्रेस के फिल्म में कुछ नेगेटिव शेड होंगे। निर्देशक ने ये भी कहा है कि वो अगले साल अप्रैल के एंड तक शूटिंग खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। अनुष्का शर्मा इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली और इम्पैक्टफुल भारतीय हस्तियों में से एक है। हाल ही की बात करें तो अनुष्का के लगभग 52.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनके फैंस की फैंटेसी भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अनुष्का के इंस्टाग्राम फीड पर थोड़ा स्टॉक किया गया और पाया गया कि वो इंस्टाग्राम पर 349 लोगों को फॉलो करती है। इस लिस्ट में मशहूर हस्तियां, गायकों, निर्देशकों और फोटोग्राफर्स और अन्य इंपॉर्टेंट सेलेब्स के साथ उनकी लाइफ के डिफरेंट फील्ड के लोग भी शामिल है। बॉलीवुड सेलेब्स के बीच उनकी फॉलो लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा से लेकर कैटरीना कैफ से लेकर आलिया भट्ट तक इंडस्ट्री के कई सारे लोग भी शामिल है। अनुष्का उन सेलेब्स को भी फॉलो करती है जिनके साथ उन्होंने अभी तक कोलैबोरेशन नहीं किया है। सारा अली खान, वाणी कपूर, कियारा आर्य अडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऐसे कुछ नाम है। एकमात्र बड़ा नाम जो हमें अमेजिंगली अनुष्का के फॉलोअर्स की लिस्ट में नहीं मिला वो उनके सुल्तान को एक्टर सलमान खान का है। अनुष्का ने 2016 में सुल्तान के लिए सलमान खान के साथ मिलकर काम किया था। ये फिल्म एक से ज्यादा तरीकों से एक ब्लॉकबस्टर थी और उनके सहयोग को क्रिटिक्स और दर्शकों द्वारा इक्वली अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके कोलैबोरेशन केवल फिल्मों तक ही सीमित था, न कि फिल्म के सेट से आगे। खैर, न तो अनुष्का सलमान को फॉलो करती है और न ही सलमान उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। क्या ये कोई हिंट है दोनों स्टार्स को एक दूसरे को इग्नोर करने की या और आने वाले कोई भी प्रोजेक्ट में फिलहाल दोनों के साथ नहीं दिखने की? अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को शायद ही सुल्तान के सीक्वल में नजर आने का मौका मिलेगा। इस बीच सुल्तान के प्रमोशन के दौरान जब सलमान ने ये बयान दिया कि वो सुल्तान की इंटेंस शूटिंग के बाद एक रेप्ड वुमन की तरह महसूस कर रहे थे तो अनुष्का ने इस पर एक ऑनेस्ट रिएक्शन दिया था। मुझे लगता है कि ये इनसेंसिटिव था और कुछ ऐसा था जिससे मैं थोड़ा हैरान थी। उन्होंने फिल्म कंपेनियन के साथ अपने इंटरव्यू में आगे कहा, इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम किसी भी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। आप जो भी कुछ कहते हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम मशहूर हस्तियों को इस बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ खट्टे मीठे रिश्ते की आज हमने झलक देखी सुल्तान और अल्फा के बीच। वहीं इस जोरदार हरियाणवी रेसलर कपल को एक बार फिर से देखना तो लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्या पता बेबी को सुल्तान 2 की कहानी का बेस पसंद ही आ जाए। तो आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले? पाकिस्तान और इंडिया की कैसे हुई सुल्तान में दोस्ती? क्या दंगल और सुल्तान एक बार फिर होंगे आमने सामने? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इन दोनों के बीच हमेशा से ही एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग डिबेट देखने को मिली है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन एक तरफ है यूथ जो कि लेजीनेस के चलते ढूंढ ही लेते हैं कोई ना कोई शॉर्टकट। ऐसे में ही कंक्लूजन निकलता है कि दोनों का मर्जर एक सॉलिड और परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को जस्टिफाई करने आ रही है अली अब्बास जफर की नई पेशकश अपनी अपकमिंग सीक्वल सुल्तान 2 के साथ, जिसमें सलमान खान का हार्ड वर्क और मेकर्स का स्मार्ट वर्क ऑन स्क्रीन उड़ान भरता नजर आएगा। 18 मंथ्स के रिगरस हार्ड वर्क के बाद ही बॉडी को फुल फ्रेम में लाने के बाद ही होगी सलमान की फिल्म में एंट्री। पाकिस्तान के साथ इंडिया के कभी भी अच्छे तालुकात नहीं रहे हैं, लेकिन इसका सिनेमा के काम पर कोई भी असर नहीं हुआ। सब लोग हमेशा से ही आपस में एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं और बेहतर करने को लेकर इंस्पायर करते ही दिखे हैं। लेकिन इस बार होगी पाकिस्तानी टैलेंट की इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में एंट्री। मीशा शेफी, जो कि बहुत पॉपुलर पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर है, इस फिल्म के साथ करने जा रही है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन।
साथ ही जब से सुल्तान 2 के आने की खबर ने मीडिया में बस क्रिएट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ दंगल 2 के भी जल्द ही रिलीज होने की खबर से लोग दोनों फिल्मों को कंपेयर करने लगे हैं। हो सकता है कि इन दोनों फिल्मों की डेट भी आसपास में क्लैश करते देखी जाए, और अगर ऐसा होता है तो इस बार कॉम्पिटिशन एकदम टक्कर का देखा जाएगा। फिल्म का पहला पार्ट रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर मेकर्स द्वारा बनाया गया था, और इस बार भी कुछ इसी तरह का जॉनर फिल्म में देखने को मिलेगा। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, बागी, इन सभी फिल्मों को एक बेहतरीन साउंड इफेक्ट देने के बाद जूलियस पैकियाम करने जा रहे हैं फिल्म सुल्तान 2 का स्कोर म्यूजिक लीड। हो सकता है इस बार फिल्म को सुल्तान की बेटी लीड देती नजर आएगी, क्योंकि पिछली फिल्म जहां खत्म हुई थी उसके अंत में सुल्तान पिता बन चुके थे, और सुल्तान अपनी बेटी को कोच करते हुए देंगे एक नई पहचान। अगर आपको भी है सुल्तान 2 के जल्द से जल्द रिलीज होने का इंतजार, तो जुड़े रहिए बॉलीग्राड। कैसे हुई थी सुल्तान की मुलाकात आरफा से? क्या अनुष्का शर्मा सुल्तान के सीक्वल में आएंगी नजर? कि सलमान की फिल्म में नहीं होती हीरोइन की तारीफ? अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड पाना है? ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। सलमान खान और अनुष्का शर्मा स्टारर सुल्तान ने आज 5 साल पूरे कर लिए हैं। ये फिल्म अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म्स बैनर के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित थी। गाने से लेकर कहानी तक फिल्म हर चीज का सही मिक्सचर थी। इसमें सभी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो तुरंत दर्शकों से जुड़े। जग घूमिया गीत सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गानों में से एक था, और उनका डांसिंग स्टेप काफी फेमस हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लीड एक्टर्स की मुलाकात कैसे हुई थी? आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2016 में रिलीज हुई सुपरस्टार सलमान खान की हिट फिल्म सुल्तान की आने वाली सीक्वल सुल्तान 2 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। हाँ, तो आपको बता दें, सलमान और अनुष्का शर्मा पहले अलग अलग किसी एड्स के ओकेजन पर मिले थे, लेकिन ये कभी किसी फिल्म के लिए साथ नहीं आए थे, और इस बार ये एक ऐसी फिल्म के लिए साथ आए जिसे कई अन्य अभिनेत्रियों ने रिजेक्ट कर दिया था। खबरों की माने तो अनुष्का के फाइनल होने से पहले कंगना रनौत, परिणीति चोपड़ा, दीपिका पादुकोण ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। अपनी पहली मुलाकात के साथ आगे बढ़ते हुए जीरो अभिनेत्री ने डीएनए को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सलमान से पहले भी एक दो बार मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें पर्सनली ठीक से नहीं जानती थी, और जब मैं उनसे पहली बार मिली तब हमने फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए एक फोटो शूट प्रिपेयर किया था। वो YRF जिम में अपना वर्कआउट सेशन कर रहे थे। जब मैं अंदर गई तो वो जमीन पर लेटे हुए थे और ऊपर देख रहे थे, और उन्होंने मुझे नमस्ते कहा। ये कुछ हटके था और ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। केवल भाईजान ही जमीन पर लेटते हुए एक एक्ट्रेस को नमस्ते कह सकते हैं, अभिनेत्री ने कहा। इस जोड़ी की केमिस्ट्री को फैंस ने खूब सराहा। उन्होंने आरफा की भूमिका निभाई और उन्हें सलमान खान की पत्नी के रूप में देखा गया, जिन्हें पहलवान सुल्तान अली की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। फिल्म के लिए एक्टर को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा और काफी वजन भी बढ़ाना पड़ा। फिल्म एक पहलवान के जीवन और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को बयां करती है। जैसा कि इंडिया टीवी पर बताया गया था, अभिनेत्री ने कहा था कि उन्हें अपने शरीर पर बहुत काम करना पड़ा। मैं 2 साल पहले वेजिटेरियन बन गई थी। मैं एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट से मिली और मुझे हाई प्रोटीन से भरे वेजिटेरियन फूड खाने की सलाह दी गई। मेरे डेली मील में सोया, टोफू, पनीर, मटर, क्विनोआ था। उन्होंने ये भी बताया कि वो 1.5 घंटे तक ट्रेनिंग लेती थी जिसमें बॉडी लिफ्टिंग शामिल हुआ करती थी। सुल्तान की सफलता ने निर्माता आदित्य चोपड़ा को उत्साहित कर दिया था। बॉलीवुड के खबरी का कहना है कि आदित्य ने अली अब्बास जफर से कहा कि इसके सीक्वल की तैयारी शुरू कर दे और जल्द से जल्द स्क्रिप्ट की तैयारी करे। सुल्तान का सीक्वल धूम की तरह बनाना चाहते हैं आदित्य। सलमान भी इस सफलता से काफी खुश है, और सलमान ने सुल्तान 2 में भी अपनी उपस्थिति की कॉन्फर्मेशन दी है। सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचा रही थी। फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला था, और इसलिए उम्मीद है कि आने वाला सीक्वल भी 300 करोड़ का आंकड़ा आराम से छू लेगा। दर्शक इस फिल्म के सीक्वल को भी पसंद करेंगे। पिछली फिल्म के लिए अनुष्का शर्मा की भी तारीफ की जा रही थी। वैसे तो सलमान की ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन का ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन अनुष्का ने सुल्तान में ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा।
अपने लीड के सेंट्रिक होगी फिल्म। कौन कौन से एक्ट्रेस के नाम आ रहे हैं सामने? क्या शूटिंग के दौरान हंगर गेम से हुई सुल्तान की मुलाकात? अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित सुल्तान हरियाणा के एक पहलवान के बारे में एक फिल्म है जिसे सलमान खान ने निभाया था। फिल्म में अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में थी। ये फिल्म साल 2016 में ईद पर रिलीज की गई थी। फिल्म के रिलीज के कुछ ही दिन पहले ही सीक्वल की चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2016 में रिलीज हुई सुपरस्टार सलमान खान की हिट फिल्म सुल्तान की आने वाली सीक्वल यानी कि सुल्तान 2 के बारे में। बॉलीग्राम स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। जब से सलमान खान की फिल्म सुल्तान की घोषणा हुई है तब से ये फिल्म चर्चा में है। सलमान खान अपनी पिछली फिल्म सुल्तान में हरियाणा के 40 वर्षीय पहलवान सुल्तान अली खान की भूमिका निभा रहे थे। खबरें हैं कि इसके आने वाली सीक्वल में फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस के बिना ही फीमेल के बहुत सारे हिस्से फिल्माए जा रहे हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर के द्वारा कहा गया है कि सुल्तान की सीक्वल के अधिकांश हिस्से को बिना फीमेल लीड के फिल्माया जाएगा और 3 जनवरी के अंत तक सुल्तान की फीमेल लीड एक्ट्रेस की घोषणा करेंगे। फिल्म के फीमेल लीड एक्ट्रेस की बात करें तो लीड फीमेल एक्ट्रेस की अफवाह से कई सारी गपशप मिल रही है। फिल्म में सलमान खान के अपोजिट लीड रोल के लिए परिणीति चोपड़ा से लेकर दीपिका पादुकोण तक कई नाम सामने आ रहे हैं। इससे पहले मिड डे में छपी एक रिपोर्ट में एक सूत्र ने कहा था, फिलहाल बात ये है कि निर्माताओं ने मुख्य अभिनेत्री के बिना शूटिंग शुरू कर दी है। ये थोड़ा टफ हो रहा है। फिल्म अगले साल ईद पर अनाउंस की जा सकती है और अन्य सभी कैरेक्टर्स की कास्टिंग की जा रही है। मुख्य अभिनेत्री की लीड रोल होने के कारण उनका बोर्ड में ना होना एक बहुत ज्यादा ही टफ टास्क साबित हो रहा है। इसके लिए मेकर्स जल्द ही कुछ सोचेंगे। फिल्म के स्पोक्स पर्सन ने पहले भी कहा था, हमने सुल्तान की शूटिंग शुरू कर दी है और सलमान खान फिल्म से उत्साहित और सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। कृपया फीमेल लीड एक्ट्रेस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वेट करें। सलमान खान जो अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान की सीक्वल के लिए एक पहलवान का वेश दोबारा से धारण कर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए अपनी टफ ट्रेनिंग पहले ही शुरू कर दी है। सुल्तान 2 में दूसरी बार सलमान एक आउट एंड आउट पहलवान अवतार में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने सुल्तान में अपनी भूमिका के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। सुल्तान के जूते में फिट हो जाने के लिए अपनी ट्रेनिंग में सुपरस्टार को प्रतिदिन लगभग 4 घंटे लगने वाले हैं और ये मेहनत उनके शरीर के अच्छे खासे मात्रा में आए पसीने को देखकर ही पता लग रही है। सुल्तान के पास उनके ट्रेनर लॉर्नेल स्टोवल स्टंट और फाइट कोऑर्डिनेटर को रखने की खबर आ रही है, जिनके पास मैक्स स्टील और द हंगर गेम्स जैसी उनकी क्रेडिट फिल्में हैं। सलमान खान की फिल्म सुल्तान के सीक्वल के साथ अपने कनेक्शन की अनाउंसमेंट करने के लिए स्टोवल ने ट्विटर की हेल्प लेते हुए कहा था, अगले कुछ महीनों में सुल्तान के सीक्वल के सेट पर सुपरस्टार सलमान खान को कुश्ती और मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दूंगा। और जहां तक सलमान खान के प्रशंसकों की बात है तो जैसे ही किसी को खबर मिली इंडिया में आए दिन ट्विटर पर #सुल्तान2 ट्रेंड करने लगी है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाली फिल्म के लिए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या फिल्म के लिए संजय दत्त को किया गया था अप्रोच? कहां से स्टार्ट हो सकती है फिल्म की शूटिंग? फॉरेन कोरियोग्राफर के लिए क्या किया जा रहा है अरेंजमेंट्स? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित सुल्तान हरियाणा के एक पहलवान के बारे में फिल्म थी जिसमें सलमान खान ने निभाया था मुख्य किरदार। साथ ही उनके ऑपोजिट दिखी थी अनुष्का शर्मा। यह फिल्म साल 2016 में ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2016 में रिलीज हुई सुपरस्टार सलमान खान की हिट फिल्म सुल्तान के आने वाले सीक्वल यानी सुल्तान 2 के बारे में। शायद आपको ना पता हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस साल सुल्तान रिलीज हो रही थी उस दौरान कई तरीके की अफवाहें भी उड़ाई जा रही थी। अक्टूबर 2015 में ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिकी अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलोन इस फिल्म में सलमान खान के कोच की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ये खबर महज एक अफवाह साबित हुई। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि शायद संजय दत्त इस फिल्म में कोच की भूमिका में दिखेंगे, हालांकि ये खबर भी पूरी तरीके से बेबुनियाद निकली। दिसंबर 2015 में रणदीप हुड्डा को फिल्म में कोच की भूमिका के लिए साइन कर लिया गया। दोस्तों इसी के साथ फिल्म से जुड़ी कई तरीके की अफवाहें उड़ाई गई थी जो असल में पूरी तरीके से एक झूठ निकली।
जनवरी 2016 में अनुष्का शर्मा को खान के साथ फीमेल लीड भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। एक पहलवान के रूप में अपनी भूमिका के लिए शर्मा ने फिल्म के लिए कुश्ती की शिक्षा ली। फरवरी 2016 में बॉस्को सीजर को फिल्म में कोरियोग्राफर के रूप में साइन किया गया। वैभवी मर्चेंट की जगह उन्हें लिया गया था, जिन्होंने पर्सनल रीजन के कारण फिल्म छोड़ दी थी। आने वाली फिल्म के सीक्वल के बारे में जुड़े एक सोर्स का कहना है कि सलमान खान आने वाले कुछ महीनों तक अपने फार्म हाउस पर ही रहेंगे और जहां पर वो स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे। यह दो गोल को पूरा करता है, एक तो ट्रैवल का बचत और दूसरी तरफ वो अपने फार्म हाउस की भी देखभाल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि लायरनल और क्रू मेंबर्स के साथ कुछ मेंबर्स को अपने साथ ही रखा जाए। एक यूनिट हैंड का कहना है कि आने वाली सीक्वल की फाइटिंग शेड्यूल 3 हफ्तों तक चलेगी और आगे कहते हैं इसीलिए आने वाले दिनों में कई महीनों के लिए सलमान खान फार्म हाउस पर हम सभी के साथ रहने वाले हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि सलमान खान बड़े ही दिलदार व्यक्ति हैं और साथ ही मेहमान नवाजी भी बेहतरीन ढंग से करते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से लोग पाकिस्तान और इंडिया की कैसे हुई सुल्तान में दोस्ती, क्या दंगल और सुल्तान एक बार फिर होंगे आमने सामने। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इन दोनों के बीच हमेशा से ही एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग डिबेट देखने को मिली है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन एक तरफ है यूथ जो कि लेजीनेस के चलते ढूंढ ही लेते हैं कोई ना कोई शॉर्टकट। ऐसे में ही कंक्लूजन निकलता है कि दोनों का मर्जर एक सॉलिड और परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को जस्टिफाई करने आ रही है अली अब्बास जफर की नई पेशकश अपनी अपकमिंग सीक्वल सुल्तान 2 के साथ, जिसमें सलमान खान का हार्ड वर्क और मेकर्स का स्मार्ट वर्क ऑन स्क्रीन उड़ान भरता नजर आएगा। 18 मंथ्स के रिगरस हार्ड वर्क के बाद ही बॉडी को फुल फ्रेम में लाने के बाद ही होगी सलमान की फिल्म में एंट्री। पाकिस्तान के साथ इंडिया के कभी भी अच्छे तालुकात नहीं रहे हैं, लेकिन इसका सिनेमा के काम पर कोई भी असर नहीं हुआ। सब लोग हमेशा से ही आपस में एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं और बेहतर करने को लेकर इंस्पायर करते ही दिखे हैं। लेकिन इस बार होगी पाकिस्तानी टैलेंट की इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में एंट्री। मीशा शेफी, जो कि बहुत पॉपुलर पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर है, इस फिल्म के साथ करने जा रही है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन। साथ ही जब से सुल्तान 2 के आने की खबर ने मीडिया में बज क्रिएट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ दंगल 2 के भी जल्द ही रिलीज होने की खबर से लोग दोनों फिल्मों को कंपेयर करने लगे हैं। हो सकता है कि इन दोनों फिल्मों की डेट भी आसपास में क्लैश करते देखी जाए, और अगर ऐसा होता है तो इस बार कॉम्पिटिशन एकदम टक्कर का देखा जाएगा। फिल्म का पहला पार्ट रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर मेकर्स द्वारा बनाया गया था और इस बार भी कुछ इसी तरह का जॉनर फिल्म में देखने को मिलेगा। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, बागी, इन सभी फिल्मों को एक बेहतरीन साउंड इफेक्ट देने के बाद जूलियस पैकियाम करने जा रहे हैं फिल्म सुल्तान 2 का स्कोर म्यूजिक लीड। हो सकता है इस बार फिल्म को सुल्तान की बेटी लीड देती नजर आएगी, क्योंकि पिछली फिल्म जहां खत्म हुई थी उसके अंत में सुल्तान पिता बन चुके थे और सुल्तान अपनी बेटी को कोच करते हुए देंगे। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। कहाँ हो रही है सुल्तान 2 की शूटिंग? सलमान के फैंस क्यों हुए हैं निराश? क्यों यूज हुए पोर्टेबल एसी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। यशराज फिल्म के बैनर तले बन रही सुल्तान 2 फिल्म की शूटिंग बुधवार से मोरना में शुरू हो गई है। सलमान की फैंस उन्हें देखने के लिए कड़ी धूप में कई घंटे तक खड़े रहे। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के चलते दोस्तों किसी को भी शूटिंग स्थल पर नहीं जाने दिया जा रहा है और जिस इलाके में शूटिंग चल रही है उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए सारे इंतजाम किए गए हैं और दोस्तों शायद ये भी कारण है कि फिल्म शूटिंग एरिया को सील कर दिया गया है, क्योंकि सील होने से कोई भी फैन या बाहरी व्यक्ति शूटिंग देखने नहीं आएगा। इससे एक्टर और टीम भी सुरक्षित रहेंगे और दोस्तों बाकी लोग भी सेफ रहेंगे। बता दें कि शूटिंग के लिए सलमान की टीम दोपहर करीब 2 बजे विकास खंड में बनाए शूटिंग के सेट पर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी कारों का काफिला पहुंचा तो सलमान के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे।
लेकिन कोरोना के चलते सभी को दूर से ही विदा कर दिया गया। हालांकि दोस्तों उनमें से कई फैंस थोड़े जिद्दी थे जो बिना मिले जाने से मना कर रहे थे। फिर भी दोस्तों कोरोना को देखते हुए सलमान उनसे नहीं मिले और दोस्तों उन सब फैंस से अपील की कि वो अपने अपने घर चले जाएं, जिससे फैंस को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। और दोस्तों सलमान शीशे गिरे गाड़ी से सीधा शूटिंग स्थल पर पहुंचे। बता दें कि शूटिंग स्थल पर एक्ट्रेस का मिट्टी में फंसने के बाद उनसे बाहर निकालने का सीन फिल्माया जा रहा था, क्योंकि बार सलमान ट्रेनर का रोल अदा कर रही हैं। वो किसी ऐसी इंसान को ट्रेन करेंगे जिसकी पहचान आपको रुला सकती है। बता दें दोस्तों कि सेट पर सर्दी का सीन फिल्माया जा रहा है और सलमान लाल रंग के स्वेटर में दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा जूनियर कलाकार भी गर्म कपड़ों में शूटिंग स्थल पर दिख रहे थे। अब गर्मी में सर्दी का सीन फिल्माया जाएगा तो दोस्तों कुछ तो गर्मी से बचने के लिए भी किया जाएगा ना। गर्मी से बचने के लिए शूटिंग स्थल पर पोर्टेबल एसी लगाए गए थे ताकि सलमान और दूसरे कलाकारों का मेकअप पसीने से खराब ना हो, इसलिए दोस्तों पोर्टेबल एसी में पसीना सुखाया जा रहा है। हालांकि शूटिंग को लेकर सलमान के फैंस में खुशी तो है, वहीं निराशा भी है। खुशी इस बात की है कि सलमान उनके इलाके में शूटिंग कर रहे हैं, जबकि निराशा इसलिए भी है कि दोस्त अभी तक उन्हें सलमान की एक झलक तक देखने को नहीं मिली है। मोरना निवासी अनिल ने बताया कि वो सुबह से ही सलमान को देखने का इंतजार कर। अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। बॉलीवुड का क्यों है झुकाव स्पोर्ट्स ड्रामा की ओर? ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। क्या फिल्म में एक टॉप नॉच एक्शन ड्रामा देखने को मिलने वाला है? और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। फिल्म का सोल आइडिया क्या जुड़ा है इंडियन हिस्ट्री से? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जहां बॉलीवुड में एक बार शाहरुख खान का प्यार वाला दौर आया था, फिर सलमान खान का फैमिली ड्रामा लोगों के सिर चढ़कर नाचने लगा था और अब अचानक से बॉलीवुड का झुकाव स्पोर्ट्स ड्रामा की ओर देखा जा रहा है। वो कहते हैं ना, समय समय पर हर चीज के अंदर बदलाव आता है और ऐसा ही बदलाव टी वर्ल्ड में भी आया है, जहां पर अचानक से डायरेक्टर्स को ऐसा लगा कि इंडिया की स्पोर्ट्स हिस्ट्री काफी शानदार रही है, तो इसे ही बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाए और इंडिया को वर्ल्ड के सामने प्राउडली प्रेजेंट करने के लिए अखाड़े से बेहतर जगह क्या ही हो सकती है। और यही से आया मेकर्स को सलाटी अखाड़े का आइडिया। वेल दोस्तों, अगर आपको भी हिस्ट्री का शौक रहा है तो आपको ये पता होगा, एक समय पहले राजा महाराजाओं का शौक होता था ऐसे ही कुश्ती के मैचेस को देखना और जीतने वालों को अशर्फियां देना। और इसी से इंस्पायर होकर मेकर्स ने बनाई एक ऐसी फिल्म जिसका कंप्लीट फोकस ही गेम पर होगा। अगर आप भी कर रहे हैं सुल्तान 2 के जल्द ही रिलीज होने का इंतजार, तो जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती आप देख सकते हैं ऐसे ही स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फिल्में जैसे MS धोनी ब्रदर्स, भाग मिल्खा भाग और अजहर। दोस्तों ये तमाम फिल्में ऐसी हैं जो इंडिया के स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को बड़े पर्दे पर प्रेजेंट करती हैं और लोगों को ये फिल्में देखकर काफ़ी खुशी भी महसूस होती है। शायद इसी वजह से इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी धाकड़ प्रदर्शन किया है। वह जब से सुल्तान के रिलीज डेट की बात सामने आई है, सलमान खान के तमाम फैंस खुशी से झूम उठे हैं। ट्विटर पर तो सुल्तान के रिलीज को लेकर एक बस क्रिएट हो गया है, जिसका फिल्म के रिलीज होने तक शांत होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। इस कोरोना पैंडमिक में एक फिल्में ही तो है जो लोगों के कुछ घंटे सुकून से बिता देती है
हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से लोगों ने सुल्तान के फर्स्ट पार्ट को प्यार दिया था, ठीक वैसा ही प्यार सुल्तान 2 को भी मिले। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि बीते लॉकडाउन के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स में लगातार बढ़ोतरी देखी गई थी और शायद ऐसी ही उम्मीदें जताई जा रही है कि अगर ऑल ओवर इंडिया थिएटर्स नहीं खुलते हैं तो सुल्तान 2 को भी OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया जाएगा। फिल्म सुल्तान में सलमान खान करेंगे रियल एक्शन फाइट, जिसमें इंजरी को अवॉइड करने के लिए सभी स्टंट्स हॉलीवुड एक्शन स्टंट परफॉर्मेंस की निगरानी में किए जाएंगे। कोरोना पैंडमिक इंडिया का कोड कौन है? ओए नहीं, नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। आखिर कहां होगी सुल्तान 2 की शूटिंग? इससे पहले कब आए थे सलमान यूपी? किस भूमिका में आएंगे सुल्तान 2 में सलमान? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ मिस्टर जागी। बॉलीवुड के दबंग और सलमान खान पहली बार वेस्ट यूपी में अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगे। सलमान खान प्रोडक्शन हाउस के अनुसार दबंग खान अपनी 2 फिल्मों की शूटिंग यूपी में करेंगे। इनमें से उनकी आने वाली फिल्म सुल्तान 2 की शूटिंग मुजफ्फरनगर में कराने की योजना है। हालांकि दोस्तों अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय हीरो सलमान खान पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आ रहे हैं। बता दें वो अगले साल अप्रैल में यहाँ आएंगे। तो दोस्तों बता दूं कि सलमान की फिल्म की शूटिंग को लेकर प्रदेश सरकार से लेकर अधिकारी तक गंभीर हैं और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं इन इंतजामों की निगरानी कर रहे हैं। बता दें इससे पहले सलमान खान ने दबंग में लालगंज गांव के पुलिस अफसर का किरदार निभाया था, जबकि उसके सेकंड पार्ट दबंग 2 में भी उन्होंने यूपी पुलिस कॉप का रोल निभाया था। पहले इसकी शूटिंग कानपुर में करने की योजना थी, लेकिन दोस्तों शूटिंग शुरू होने से पहले ही इस योजना को कैंसिल कर दिया गया था। अगर सलमान ईस्ट यूपी में आते हैं तो उनका ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला दौरा होगा। सलमान खान अपनी फिल्म सुल्तान 2 की शूटिंग के लिए अप्रैल में मेरठ पहुंचेंगे। वहीं दोस्तों यूपी की सरकार चाहती है कि इस इलाके में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा मिले। फिल्म बोल अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। सलमान खान के खान टीम पर रखी जा रही है निगरानी। नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। क्या फिल्म का अपकमिंग सीक्वल नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। हम खुद अपने गुड लुक्स के लिए डाइटिंग करते हैं, नॉर्मल है, या फिर वेट गेन करने के लिए एक्सेसिव ईट करते हैं, वो भी नॉर्मल है। लेकिन जब हम किसी चीज प्लान और किरदार को जस्टिफाई करने के लिए अपने बॉडी में बदलाव उतराव करते हैं तो वो होता है डेडिकेशन, जो इस बार बॉलीवुड सिनेमा के खान भाईजान या फिर कह लीजिए पांडे जी और सलमान भाई के अलावा मुश्किल ही था। जी हाँ, सुल्तान 2 के लिए फिल्म मेकर्स की टीम रख रही है सलमान के डाइट पर पूरा फोकस। सलमान फिल्म के मुख्य किरदार होंगे तो इनको फिल्म के लिए एकदम रेडी करने का जिम्मा डायरेक्टर्स ने छोड़ा है फिल्म की डाइटिंग कंसल्टेंसी टीम के ऊपर। फिल्म का सोल आइडिया मोटिवेशनल ही रखा जाएगा, चाहे फिर वो मोटिवेशन कास्ट से फिल्म के बाहर मिले या फिर फिल्म के अंदर। ये फिल्म एक बार फिर खेल कूद में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग करने का काम करेगी, जिसमें जिन लोगों के पास टैलेंट तो है लेकिन किन किन रास्तों से होकर मंजिल तक पहुंचना है वो उनको नहीं पता, इसी बड़े क्वेश्चन मार्क को हल करती हुई देखी जाएगी सुल्तान 2 की स्टोरी लाइन। फिल्म के सिनेमेटोग्राफी का भी स्पेशल ध्यान रखते हुए लाइटिंग और ब्राइटनेस काफी कंट्रोल रखी जाएगी। साथ ही रफ लुक को मेंटेन रखने के लिए 10 मेकअप आर्टिस्ट एक साथ फिल्म के लिए काम करते देखे जाएंगे, जिसमें से फिल्म के बैकग्राउंड आर्टिस्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उनकी भी मेकअप और कॉस्ट्यूम का रखा जाएगा पूरा पूरा ध्यान। फिल्म के कुछ फाइटिंग सीन जो कि अखाड़े का हिस्सा होंगे वो सलमान खुद परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए उनको रियल लाइफ रेसलिंग टीम के साथ काफी समय बिताते हुए देखा जा रहा है। जिनके साथ रहकर सलमान खान सीख रहे हैं अखाड़े से जुड़े कुछ बेसिक्स। हालांकि सलमान खान एक बार पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन निपुणता इस बार पेश करते हुए देखी जाएंगे और हो सकता है
इस बार फिल्म 2D में रिलीज की जाए, जिससे फिल्म एक सॉलिड इम्प्रेशन लोगों के ऊपर डालती देखी जाएगी। रेसलिंग से जुड़ी अब तक कोई भी फिल्म नॉर्मल वर्जन से ऊपर नहीं देखी गई है, लेकिन इस बार फिल्म 83 के साथ स्पोर्ट ड्रामा फिल्म का भी छलान करने वाली है। 2D और 3D के साथ देखा जाएगा। पहलवानी का सिलसिला शुरू तो बखूबी हो चुका है, लेकिन कितने आगे तक जाता है ये देखना बनाने वाले के लिए भी। क्या हुआ था सुल्तान पर केस? कौन था साबिर बाबा? अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। क्या सुल्तान 2 पर भी मंडरा रहा है खतरा? कोर्ट बंद है, नहीं मिलता इंडिया का कोर्ट, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, और आप देख रहे हैं आज की बिल्कुल फ्रेश वीडियो मेरे यानी कि आपकी होस्ट पंखुरी के साथ। हक बहुत बुरी चीज है, अगर किसी पर जताओ तो लोग सर चढ़ जाते हैं, और किसी का हक छीन लो तो तलवारें निकल आती हैं, तलवारें चल जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था सलमान खान की फिल्म सुल्तान को लेकर। बता दें, सलमान खान को धोखेबाज बताते हुए बिहार के एक शख्स ने कोर्ट पर दरवाजा खटखटाया था। मामला सलमान खान की फिल्म सुल्तान से जुड़ा है। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी साबिर अंसारी उर्फ साबिर बाबा के अनुसार सुल्तान की कहानी उनकी जिंदगी की कहानी है। साबिर ने 2010 में सलमान को ये कहानी सुनाई थी, और सलमान ने उनकी कहानी पर फिल्म बनाने के बदले उन्हें 20 करोड़ रुपए की रॉयल्टी देने का वादा किया था। बता दें, साबिर खान के वकील सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि 2010 में साबिर ने सलमान को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई तो उस पर सुपरस्टार ने फिल्म बनाने की बात कही। सलमान ने साबिर को 20 करोड़ रुपए देने की बात भी कही। सलमान ने इस फिल्म पर 2016 में काम किया और ईद पर फिल्म रिलीज भी हो गई। फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड्स भी तोड़े, लेकिन साबिर को अपने 20 करोड़ का इंतजार आज तक है। बता दे, साबिर से किया वादा जब सलमान ने नहीं निभाया तो उन्होंने मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में इसको लेकर 8 जुलाई को केस फाइल किया। CJM रामचंद्र प्रकाश ने इस मामले के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट SK त्रिपाठी के यहाँ उन्हें ट्रांसफर कर दिया। SK त्रिपाठी ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख दी थी। उसके बाद तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, यहाँ तक कि फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने को तैयार है, लेकिन पहले पार्ट के साबिर को अभी तक 20 करोड़ नहीं मिल सके। बता दें, सलमान खान के साथ फिल्म में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और निर्देशक अली अब्बास जफर के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण का उत्प्रेरण, 406 आपराधिक विश्वास हनन के लिए सजा, 504 इरादे से जानबूझकर अपमान शांति भंग भड़काने के लिए, 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा के तहत केस दर्ज हुआ है। उम्मीद करते हैं ये केस जल्द ही खत्म हो और सुल्तान 2 पर काम करना जल्दी शुरू हो जाए। लेकिन पहली गलती करने के बाद अब मेकर से यूं उम्मीद तो की जानी चाहिए कि ये गलती पार्ट 2 में नहीं दोहराई जाएगी। किसी की निजी जिंदगी को अगर कैमरे पर ला ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। क्या होगा सुल्तान 2 का मॉरल बेस्ड सोल आइडिया? डाउन टू अर्थ थीम रखने के पीछे क्या है मेकर्स का मोटिव? SFX और VFX का जिम्मा क्या होगा साउथ इंडिया के सर पर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। जब बच्चा इंडिया में पैदा होता है और स्कूल जाता है, उसको तब पता चलता है कि हमारे देश का नेशनल गेम हॉकी है। वरना दोस्तों, क्रिकेट को लेकर लोगों का ऑब्सेशन को देखकर तो ये नहीं बता सकता कि क्रिकेट इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। जब तक हम स्कूल नहीं गए तब तक हमें भी कंफ्यूजन थी, और दोस्तों आज तक भी लोगों के जुनून को देखकर हमें कंफ्यूजन हो जाती है। और इसी जिंक को ब्रेक करने का जिम्मा उठाया डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने। दोस्तों, हमने बहुत सी फिल्में क्रिकेट, इंडियन वर्ल्ड कप और पता नहीं कौन से अलग अलग स्पोर्ट्स को लेकर देखी, लेकिन रेसलिंग के आइडिया को लोगों के सामने पेश करने वाले एक पहले और एक लौते डायरेक्टर थे। अब दोस्तों, इंडिया जैवलिन थ्रो में पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर बाकी गोल्ड मेडलिस्ट के बीच अपनी जगह बना चुका है, और दिखा चुका है कि इंडिया भी किसी से कम नहीं है। इसी स्पोर्ट्समैनशिप के इंडिया हमेशा से कदर करता आया है, लेकिन रेसलिंग को अब तक किसी डायरेक्टर ने इतने सीरियसली नहीं लिया। जहां अपने शरीर को तराशना पड़ता है, खुद को मेहनत की आग में जलाना पड़ता है, और इस चीज को कंटिन्यू करते हुए आ रही है सुल्तान 2।
फिल्म रेसलिंग पर बेस्ड है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अखाड़े के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। फिल्म की थीम मेकर्स द्वारा काफी डाउन टू अर्थ रखी गई है जिससे फिल्म व्यूअर्स के साथ एक बेहतरीन कनेक्शन बिल्ड कर पाए। कड़क धूप और ठंड में हाथ जमाने के बावजूद भी खिलाड़ी किस तरह से चैलेंज फेस करते हुए अपने एम को अचीव करता है, यही इस फिल्म का सोल आइडिया भी होगा और दोस्तों मॉरल भी। ड्रेसिंग और प्रेजेंटेशन के मामले में ये फिल्म काफी हद तक गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ रिजेंबल करती नजर आएगी जिसमें हर चीज काफी रियलिस्टिक होगी। फिल्म को VFX और SFX इफेक्ट देने के लिए मेकर्स द्वारा एक स्पेशल टीम का भी चुनाव किया गया है जो कि इससे पहले दोस्तों काफी सारी साउथ इंडियन फिल्मों को अपने काम के साथ बेहतरीन स्क्रीन डिलीवरी दे चुकी है। फिल्म के लिए सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में है क्योंकि उनका फिजिकल अपीयरेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है जिसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। अब तक दोस्तों जब कहानी भी वो स्क्रीन पर नजर आई है काफी डोमिनेटिव लगी, हो सकता है इस बार भी सुल्तान 2 का हिस्सा। अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड पाना है? ओए हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। क्या सुल्तान 2 होगी एक हिस्टोरिकल फिल्म? सलमान के खुद के लिए कैसे है सुल्तान 2 चैलेंजिंग? सोनाक्षी सिन्हा कैसे कर रही है अपने आप को सुल्तान 2 के लिए तैयार? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूँ आपकी होस्ट रंजनी। कबड्डी 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 ये नाम तो हमने बहुत बार सुना है और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि सुल्तान भी कबड्डी पर ही बेस्ड है। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये दोनों खेल एकदम अलग है और फर्क है सिर्फ एक छोटे से वर्ड का जो कि है डिफेंसिव होना। किसी खेल में आप डिफेंसिव खेलते हैं और किसी खेल में आप लड़ते हैं, बस इसी का है खेल सारा। जहाँ तक 2016 से पहले तक लोग रेसलिंग से वाकिफ नहीं थे, वही खान बॉलीवुड के बैक टू बैक सेम जॉनर पर रिलीज करती गई। एक तरफ जहाँ सुल्तान 2 की आने की खबर चर्चा में है तो वही दूसरी तरफ मोस्ट राइवल फिल्म दंगल का सीक्वल के भी जल्द रिलीज होने का घोषणा मेकर्स कर चुके है। एक बार फिर मुकाबला टक्कर का होगा जहाँ जंग मैदान पे नहीं बल्कि सिनेमा घरों में होगी और जीत किसकी होगी इसका फैसला व्यूअर्स करेंगे। सुल्तान 2 इस बार किसी हिस्टोरिकल इवेंट को खुद से जोड़ती नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ दंगल जो कि एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है वह सोनाली फोगट के हार्डवर्क और बायोग्राफिक जॉनर पर बेस्ड होगी। जितना खूबसूरत हमें कास्ट को ऑन स्क्रीन देखने में लगता है उससे कई गुना मेहनत उन्हें अपनी अपीयरेंस को बिल्ड करने में जाती है और इसी के गवाह बने हैं सलमान खान जो कि मोस्ट फिट और हार्ड वर्किंग टैलेंट के नाम से जाने जाते हैं। उनको देने पड़ रहे हैं अपनी जिम पर 4-5 घंटे। कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक भी इनको बढ़ाकर अपने यूजुअल इंटेक से ज्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है जिसके पीछे कारण है फिल्म में इनका किरदार जिसको एकदम रियलिस्टिक लुक देने के लिए सलमान ने कर डाला है खुद को ही चैलेंज। साथ ही सोनाक्षी सिन्हा जो कि इस बार फिल्म में एक प्रोमिनेंट किरदार की भूमिका में 4 चांद लगाते हुए नजर आने वाली है, वो भी कर रही है अपने वर्कआउट से अपना फिजिक को इम्प्रूव जिससे उनका किरदार और ज्यादा अलाइव और रिलेटेबल दर्शकों को द्वारा दिखाया जाएगा। मेकर्स फिल्म की लोकेशन को जल्द ही फाइनलाइज करते हुए अपने इस अखाड़े को और ज्यादा एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे। न्यू ईयर बिगिनिंग के साथ फिल्म को प्रोडक्शन स्टेज में डालने की पूरी तैयारी की जा रही है। साल 2022 में फिल्म के प्रोडक्शन स्टेज को ही डिवोटेड समझो, लेकिन 2023 में लोगों के सब्र को और ज्यादा कंट्रोल। कौन कौन सी फिल्में थी जिन्होंने खेलों की दुनिया को उजागर किया था? अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड पाना है? ओए हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। क्या अब इनकी लिस्ट में किसी और मूवी का नाम जुड़ने वाला है?
वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। तू एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानते। तीन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर पास हो गया, बॉक्सिंग खत्म, ग्लव्स किधर था? देखा तुझ में कितनी रेसलिंग बाकी है। जब इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है, संदीप वर्सेस पाकिस्तान है। दोस्तों अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीवुड राज स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। वैसे तो दोस्तों एक्शन थ्रिलर इन जोनर्स को बॉलीवुड ने उजागर किया है, कमी रहती थी तो वो बस बायोपिक्स की, और उसमें हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा नजरअंदाज ही किया जाता था। लेकिन अब ये भी फील्ड बॉलीवुड एक्सप्लोर करने लगा है, और इसका जबरदस्त उदाहरण था भाग मिल्खा भाग, और उसी से ये ट्रेंड शुरू हो गया। ऐसी ही एक झक्कास फिल्म आई थी जिसने हमारी बॉक्सर मैरी कॉम की जर्नी को दिखाया था। ये फिल्म 2014 में आई थी। इस फिल्म में मैरी कॉम का किरदार प्रियंका चोपड़ा ने किया था, और इस फिल्म को वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और संजय लीला भंसाली ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसे 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। इसको 180 मिलियन के बजट पे बनाया गया था, और इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस से सभी के होश उड़ा दिए थे। इतना ही नहीं, ये ऐसी पहली फीमेल लेड फिल्म थी जिसने हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और बॉक्स ऑफिस पे 1.04 बिलियन का लाजवाब परफॉर्मेंस दिया था। इसे नेशनल फिल्म अवार्ड प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट तक मिला था। दोस्तों इस फिल्म ने उनकी बायोपिक तो दिखाई ही, लेकिन इसके साथ ही एक बेशकीमती संदेश भी हमें दिया। लड़कियों ने अगर मन में कुछ ठान लिया तो ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। बात जब अब फीमेल बायोपिक्स की हो रही है, तो ऐसी और एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी जिसका नाम था साइना। ये भी हमारे फेमस भारतीय बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की बायोपिक थी, और उसमें परिणीति चोपड़ा ने फीमेल लीड किया था जो सभी को काफी पसंद आया था। इस फिल्म को अमोल गुप्ता ने डायरेक्ट किया था, और इसे टी सीरीज के बैनर तले रिलीज किया गया था। ये फिल्म 26 मार्च 2021 को रिलीज की गई थी। लेकिन क्या आपको पता है, इसमें परिणीति फर्स्ट चॉइस नहीं थी। जी हाँ, इस रोल के लिए श्रद्धा कपूर को चूज किया था, पर कुछ कारणों की वजह से ये नहीं हो पाया था। इस फिल्म को अमेजोन प्राइम पे रिलीज किया गया था, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था। इस फिल्म ने जैसे तैसे 1.25 करोड़ का कारोबार किया था, लेकिन इसके बाद ये ठप सा हो गया। क्या करे दोस्तों, इसी को जिंदगी कहते हैं, कभी हार तो कभी जीत। लेकिन अब ऐसी ही और एक फिल्म आने वाली है, अब ये बायोपिक होगी या कोई और। अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। मेकर्स को सुल्तान 2 की फिल्म की शूटिंग के लिए ऐसी कौन सी लोकेशन की तलाश है? नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। क्या आमिर खान और सलमान खान चुनौती लेते हुए नजर आ सकते हैं? और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मान। क्या परिणीति चोपड़ा दिख सकती है लेडी लव के रूप में सलमान खान की? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज, और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म सुल्तान 2 और साथ ही साथ उसकी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको चौंका के रख सकती है। तो उन सारी ही बातों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए।
सबसे जाने माने चेहरे सिल्वेस्टर स्टलोन को तो आप जानते ही होंगे। ऐसा मुमकिन ही नहीं होगा कि उनके चेहरे को या उनको कोई जानता ना हो। और जिन्हें बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही पसंद है, उनके लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए हैं सुल्तान 2 के मेकर्स। सिल्वेस्टर स्टलोन, जिनको आजकल वेब सीरीज में हॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग माना जा रहा है, वो अब दिखने वाले हैं बॉलीवुड के सुल्तान के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान 2 में दिखने वाले हैं हमें सिल्वेस्टर स्टलोन। सिल्वेस्टर स्टलोन सलमान खान के रेसलिंग कोच का भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म में। जहाँ हमने फिल्म के पहले पार्ट में देखा था अनुष्का शर्मा और सलमान खान दोनों को ही ऑन स्क्रीन कपल का रोल प्ले करते हुए, दोनों के बीच में आपसी मतभेद होने के कारण दोनों को शादी के बाद अलग भी होना पड़ता है, जिसके कारण दोनों के बीच में काफ़ी इमोशनल सा सीन बन गया था जो कि दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आया था। लेकिन क्या इस बार अनुष्का शर्मा ही दिखने वाली है सलमान खान के साथ? तो नहीं दोस्तों, हम आपको एक अपडेट लेकर आकर बता देते हैं कि परिणीति चोपड़ा करने वाली है इस फिल्म में लीड। जी हाँ दोस्तों, परिणीति चोपड़ा और सलमान खान का ऑन स्क्रीन कपल हमें पहली बार देखने को मिलने वाला है। ये इस बात के लिए बहुत बड़ी बात हो जाने वाली है, साथ ही साथ पहली बार किसी कपल का नए चेहरे का उतरना बहुत बड़ी बात हो जाती है एक फिल्म के लिए। अब ऐसे में मेकर्स ने चाहा कि एक नए चेहरे को नई फिल्म के साथ लाना क्यों ना सही किया जाए। वैसे हमने एक और चीज़ देखी थी कि सलमान खान और आमिर खान दोनों ही चुनौतियां लेकर आए थे एक दूसरे के लिए। जहां हमने देखा था सलमान खान की सुल्तान, तो वहीं आई थी आमिर खान की दंगल। दोनों का जॉनरो काफ़ी सिमिलर होते हुए भी दोनों ने ही अपनी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छा काम किया और ब्लॉकबस्टर रही थी बॉलीवुड में। तो ऐसी चुनौतियों को ओवरकम करते हुए सुल्तान की अब सीक्वल भी आ रही है, और इस सीक्वल के लिए लोकेशंस को गांव या फिर रूरल एरिया की ढूंढी जा रही है, जिसके लिए सबसे पहला आइडिया आता है केरल के रूरल एरिया का। उसका लोकेशन जो है वो काफ़ी सूटेबल तो लग रहा है, लेकिन फिर भी फिल्म के मेकर्स अभी तक खोज चली रही है उनकी लोकेशन के लिए। हालांकि क्या रिकॉर्ड टूटेगा सुल्तान का, लोकल क्या रोल होगा सलमान का, पेट निकला हुआ है इसका, और तुम 40 साल की एक रनडाउन, किस एक्ट्रेस की एंट्री होगी इस फिल्म में? के इंजीनियर से परवान की जोड़ी परवान से बढ़ेगी ना। चलिए आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सलमान खान की बहुप्रतीक्षित और चर्चित फिल्म सुल्तान का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था, जैसी उम्मीद थी इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। सिर्फ 2 दिन में ही इस ट्रेलर को लगभग 54 लाख दर्शकों ने देखा था। जिस गति से इस ट्रेलर को देखा गया था, उसे देखकर तो एहसास हो ही गया था कि ईद पर रिलीज होने वाली सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब जब इसका पार्ट 2 भी बन रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसकी भी चर्चा होगी। वैसे भी बॉलीवुड में इन दिनों ये चर्चा जोरों पर है कि सलमान खान की ये फिल्म हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी, जिसका रिकॉर्ड आने वाले कुछ वर्षों तक शायद ही कोई तोड़ पाए। एक बार फिर अली अब्बास जफर निर्देशित सुल्तान 2 में सलमान एक पहलवान की भूमिका में ही नजर आएंगे। सुल्तान 2 की अनाउंसमेंट के मौके पर उन्होंने बताया था कि फिल्म में ज्यादातर लड़ाई और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि एमएमए सुल्तान की तरह असली और असली पहलवानों के साथ होगी। सलमान ने बताया कि सुल्तान की शूटिंग के वक्त जब पहलवान उन्हें उठाकर जमीन पर पटकते थे, तब उन्हें काफी तकलीफ होती थी। वो 120-130 किलोग्राम के थे। जब कोई पहलवान अभ्यास कराता है, तब वो 2-3 घंटे के लिए कराता है, इसके बाद शाम में फिर 2-3 घंटे, उसके बाद एमएमए अभ्यास, और हर रोज 6-7 घंटे की लगातार शूटिंग, लगातार लड़ाई, ये सब मुझ पर काफी प्रभाव डाल रहा था। इसीलिए अब की बार मैं फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी तैयार हूँ, क्योंकि ऐसी लड़ाइयों के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बता दें कि फिल्म में सलमान के साथ एक लेडी पहलवान भी होंगी, जो भारत के लिए पहलवानी में स्वर्ण पदक जीतना चाहती होगी, और सलमान उन्हें ट्रेन करेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले उन्हें कुछ कारणों से पहलवानी छोड़नी पड़ी थी। कुछ समय बाद वो फिर से इस खेल में लौट आती हैं, लेकिन तब उनकी उम्र और सेहत उनके लिए रुकावट बनती है। फिर उनकी मुलाकात सलमान से होती है, और सलमान उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और कामयाबी हासिल करवाने में मदद करते हैं। ये कहानी, आपको बता दें, एक सच्ची कहानी पर आधारित होगी, लेकिन कौन होगी वो एक्ट्रेस जो करेगी स्क्रीन शेयर सलमान के साथ, जानने के लिए आप देखते रहिए।
मेकर्स ने सुल्तान 2 के साथ क्यों चुना फिर से सलमान को? फिल्म सुल्तान ने सलमान को किस तरह दे डाला है चैलेंज? क्या साल 2023 में आएगा सलमान का सुल्तानी अवतार नजर? जग घूमे आ तारे जैसा ना कोई, ये फिल्म के कुछ बोल जो फिल्म से लोगों ने चुने और ये बोल हमने अब लोगों की जुबानी सुनने को मिलते हैं। कुछ अलग और बाकियों से कुछ हटके देखना हमेशा से ही व्यूअर्स का टेस्ट भी रहा है और उनकी डिमांड भी, जिसको अली अब्बास जफर ने पूरा करते हुए दर्शकों की मुलाकात सुल्तानी अखाड़े से कराई। जब जब फिल्म सुल्तान अखाड़े में उतरे तब तब लोगों के दिल की धड़कन ऊंची हो जाती, मानो दर्शकों ने फिल्म में अपनी जान की बाजी लगा रखी हो। और इसी को कहते हैं टॉप नॉच डायरेक्शन, जिसमें लोग फिल्म के किरदार के साथ इतने बेहतर तरह से एंगेज हो कि वो असल दुनिया को भूल खुद उस फिल्म का हिस्सा महसूस करने लगे। फिल्म के जरिए हम अखाड़े से जुड़ी बहुत सी चीजों को जान चुके हैं। जब जब फिल्म में धूल उठती समझो लोगों ने उस फिल्म के साथ कनेक्शन बनाया। इस फिल्म की नींव को और ऊंचाई देने के लिए मेकर्स ने कर दी है फिल्म के अपकमिंग सीक्वल की अनाउंसमेंट, जिस पर खुद फिल्म के मेन लीड एक्टर सलमान ने अपनी गर्दन से इशारा करते हुए फिल्म की जल्दी आने के रूमर्स को सच ठहराया। फिल्म को लेकर बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है, जहां पर सलमान ने फिल्म के लिए अपने वेट को काफी बढ़ाया था, इस बार भी सलमान के लिए फिल्म काफी चैलेंजिंग होने वाली है। लेकिन इस फिल्म के लिए अपने बॉडी के साथ वो ऑल्टरेशन करेंगे जब तक उन्होंने जिन फिल्मों के लिए अपनी प्री कमेंसमेंट दी हुई है वो पूरी नहीं कर लेते। सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्मों के लिए काफी हेक्टिक शेड्यूल फेस कर रहे हैं, जिसको देखते हुए ये साफ है कि इस फिल्म का प्रोडक्शन फ्लोर टच कर पाना इस साल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इस फिल्म के लिए अगले साल तक मेकर्स को वेट करना पड़ेगा और तब जाके 2023 तक दर्शकों के सामने ये फिल्म पेश की जाएगी। मेकर्स इस फिल्म के लिए किसी और लीड एक्टर को भी अप्रोच कर सकते थे, लेकिन सलमान ने लोगों पर जिस तरह से जादू कर फिल्म को एक हफ्ते में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बना दिया, इसलिए मेकर्स सलमान को अपना लकी चार्म समझते हैं और ये नहीं चाहते कि इस फिल्म के लिए कोई और उनके दिमाग में भी आए। भोली पंजाबी, ये नाम तो कॉमेडी लवर्स के जहन में होगा ही, लेकिन फिर भी हम आपको इनको अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये चेहरा फुकरे और फुकरे रिटर्न्स दोनों में ही लोगों के सामने काफी अच्छी तरह उभर कर दिखा था, हालांकि ये बाकी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग के कमाल दिखा चुकी है। तो इस बार आ सकती है फिल्म में सलमान के ऑपोजिट नजर। हो सकता है कि भोली पंजाबन यानी ऋचा चड्ढा भी हो फिल्म में सुल्तानी अखाड़े का हिस्सा। ऋचा हमेशा ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वाले किरदार में नजर आई है, जो कि उनके ऊपर बहुत अच्छे से सूट भी करता है। तो हो सकता है कि हुई थी सीक्वल की अनाउंसमेंट, फिल्म के बारे में क्या है कहना सलमान खान का कि मैच अब इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है। सलमान के अकॉर्डिंग किस वजह से चल पाती है बायोपिक फिल्में? क्या बड़ा द्वारा निर्देशित सुल्तान हरियाणा के एक पहलवान के बारे में फिल्म है, जिसमें सलमान ने मुख्य भूमिका निभाई थी और फिल्म में अनुष्का शर्मा भी मुख्य भूमिका में थी। ये फिल्म साल 2016 में ईद को रिलीज की गई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2016 में रिलीज हुई सुपरस्टार सलमान खान की हिट फिल्म सुल्तान की आने वाली सीक्वल सुल्तान 2 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। सुल्तान को बॉलीवुड में रिलीज होने में भले ही अभी कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इसके सीक्वल के लिए अपनी मंजूरी पहले ही दे दी है। वायरफ स्टूडियो द्वारा निर्मित और अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित ये फिल्म सलमान खान को दूसरी बार रिंग में वापस लाएगी। हमने सुना है कि आदित्य चोपड़ा पहले ही सुल्तान पार्ट 2 की घोषणा कर चुके हैं और अली से इसकी स्क्रिप्टिंग शुरू करने के लिए कहा है। सलमान ने सीक्वल में अभिनय करने के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। चोपड़ा को पता था कि ट्रायल शो होते ही फिल्म खास होगी और लोग ईमानदारी से इसकी तारीफ करने लगेंगे। इसके अलावा वो अपने प्रोडक्शन हाउस धूम सीरीज की तरह एक और फ्रेंचाइजी बनाने में बहुत रुचि रखते हैं। सलमान खान की आने वाली सीक्वल के फर्स्ट पार्ट सुल्तान में उन्हें एक पहलवान के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अभिनेता ने कहा था कि फिल्म एक प्रेम कहानी है। कुछ अन्य बॉलीवुड स्पोर्ट्स फिल्मों का रेफरेंस देते हुए सलमान ने कहा था कि दर्शकों को प्रभावित करने के लिए हर फिल्म को एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है और सुल्तान को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करना ही था, क्योंकि बॉलीवुड में प्रेम कहानी कभी यंग सक्सेसफुल नहीं होती। बिना लव स्टोरी के स्क्रीन पर क्रिकेट तक नकली लगता है। मुझे नहीं पता कि आने वाली बायोपिक्स कैसी होगी,
मैरी कॉम उनके संघर्ष की कहानी थी और इसलिए इसने अच्छा प्रदर्शन किया। चक दे इंडिया की एक अविश्वसनीय कहानी थी इसलिए ये फिल्म अच्छी चली। इसलिए क्रिकेट पे बेस्ड फिल्मों में भी आपको एक कहानी की जरूरत है, सलमान ने कहा। अपनी फिल्म सुल्तान के स्पोर्ट्स ड्रामा की कहानी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सुल्तान एक प्रेम कहानी है और एक प्रेम कहानी कभी फेल नहीं होती है। क्रिकेट पर कई बॉलीवुड फिल्में बनी हैं जैसे इकबाल और दिल बोले हड़प्पा। हालांकि आमिर खान की लगान क्रिकेट की एक दिलचस्प रूप में बनाई जाए गई जो अब तक की सबसे सफल बॉलीवुड फिल्म थी। सुल्तान में पहलवान की भूमिका के लिए अपनी कड़ी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा, मैं एक पहलवान बनने के लिए अभिनय कर रहा था और पूरी तरह से अभिनय करने के लिए ही आपको वो काम करने की जरूरत है जो असली पहलवान करते हैं। इसलिए पहलवान होने के नाते उन लोगों ने मुझे उठाया और चटाई या मिट्टी पर फेंक दिया, उससे मुझे उतना ही दर्द होता है जितना उन्हें दर्द होता था। साथ ही उन्हें उठाकर फेंकना एक दर्दनाक एक्सरसाइज है। जब उनका मैच होता था तो ये लगभग आधे घंटे का होता है लेकिन मैं पूरे दिन शूटिंग कर रहा होता था। वही खबरें हैं इस बार एक यंग एक्टर फिल्म में एंट्री लेगा और उसे सलमान पहलवानी के लिए ट्रेन करेंगे और जो यंग एक्टर इस फिल्म में दिख सकते हैं वो और कोई नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ ही है। हालांकि टाइगर फिलहाल अपनी ही फिल्मों के सीक्वल्स की शूटिंग करने में बिजी है लेकिन सुल्तान 2 के मेकर्स को भी कोई जल्दी नहीं है। सुल्तान 2 के बारे में रणदीप हुड्डा फिर से नजर आएंगे, साथ ही इस बार जैकलिन फर्नांडिस भी फिल्म में आइटम सॉन्ग पर थिरकती नजर आ सकती है लेकिन ये कोई आम गाना। सुल्तान और दंगल में किसने बेहतरीन प्रदर्शन किया था? क्या इसका सीक्वल आने वाला है? दोस्तों अगर ये सब चीजें आपको जानी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों कुछ फिल्में हमें एंटरटेनमेंट से ज्यादा बढ़कर चीजें दे जाती है, वो समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखती है और इसी से लोगों की आंखें खुल जाती है। दोस्तों ऐसी ही कुछ फिल्में आई थी जिन्होंने सब कुछ हिला डाला था। आपको याद होगा कैसे स्कूल में हम उस टीचर पे गुस्सा करते थे जो अपने पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पीटी पीरियड को ले लेती थी। सही में उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन खेलों का महत्व हम सभी के जीवन में बहुत ज्यादा है और ऐसे ही कुछ लोग जिन्होंने दिन रात करके खून पसीना एक करके ओलंपिक्स में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके साबित कर दिया कि खेलों में भी करियर हो सकता है। अब अगर हम बॉलीवुड और फिल्मों की बात करें तो बॉलीवुड ने भी इस बात को काफी दिल पे ले लिया है और इसी वजह से खिलाड़ियों के बायोपिक्स और खेल पर आधारित मूवीज काफी आने लगी है। लेकिन आज हम बात करेंगे दो ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्होंने रेसलिंग को और रेसलर्स को भी एक अलग पहचान दी। जी हाँ दोस्तों, ये दो फिल्में हैं सुल्तान और दंगल। इन फिल्मों के दो सिग्नेचर डायलॉग्स थे, रे सुल्तान कर दे चटाई, और दूसरा था जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था दंगल इस मूवी का, महारी छोरिया क्या छोरों से कम है के। सच में पागल कर दिया था इन दोनों फिल्मों ने तो। सुल्तान ये फिल्म आई थी 6 जुलाई 2016 को और दंगल आई थी 23 दिसंबर 2016 को। बात करें अगर दोनों में से किसने बेहतरीन परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे तो आपको बता दूं दंगल इसमें जीत गई है। जी हाँ, सुल्तान और दंगल दोनों ने ही 300 करोड़ को पास किया था। सुल्तान का कलेक्शन था 300.45 करोड़ का, वही दंगल ने रिलीज के मात्र 13 दिनों में ही इससे ज्यादा कमाई कर ली थी और साथ ही ये 2016 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन गई थी। दोनों में भी रेसलिंग को ही दिखाया गया था, एक में पूरा ध्यान महिलाओं पर दिया गया था, वही सुल्तान में महिला और पुरुष दोनों को भी दिखाया गया था। बात अगर गानों की करें तो दोनों ही फिल्मों ने हमें कुछ बहुत ही शानदार गाने दिए हैं। सुल्तान का जग घूमिया, बेबी को बेस पसंद है, बुलेया, या फिर दंगल का नैना, हानिकारक बापू, गिलहरिया, इन सभी को दर्शकों से काफी ज्यादा प्यार मिला है। दोस्तों कौन सी आने वाली है नई स्पोर्ट्स फिल्म? क्या ये किसी का बायोपिक होने वाली है? दोस्तों अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। आज तक बॉलीवुड ने न जाने कितनी वॉर फिल्म्स की होगी जो ट्रू इंसिडेंट्स पर आधारित थी, लेकिन बॉलीवुड ने उसमें स्पोर्ट्स में भी उतनी ही अहमियत दी है, चाहे वो बायोपिक हो किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का या फिर कोई काल्पनिक कहानी हो।
आज के वीडियो में हम इन्हीं ओवर द टॉप स्पोर्ट्स फिल्मों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले नंबर पे आती है निसंदेह ट्रक दे इंडिया ये फिल्म। इस फिल्म में शाहरुख खान ने लीड रोल किया था और इसमें वुमेन्स हॉकी टीम को दिखाया गया था। दोस्तों इसकी कहानी भी इतनी कमाल की लिखी थी कि देखने वाले का सीना गर्व से फूल उठता था और साथ ही साथ इसके गाने भी क्या कमाल के थे। इसका वो लास्ट वाला सस्पेंस तो सभी को नाखून चबाने के लिए मजबूर करता है। वाकई में क्या अद्भुत फिल्म थी ये। इसमें दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस दिए गए थे, एक तो ये था कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है और उसी के साथ खेलों की भी अहमियत इस फिल्म में दिखाई गई थी। दूसरे नंबर पर आती है भाग मिल्खा भाग ये फिल्म। ये फिल्म मिल्खा सिंह इस भारत के एथलीट की बायोपिक थी। इस फिल्म में फरहान अख्तर ने लीड रोल किया था और उनकी मेहनत और निष्ठा देख के सभी हैरान हो गए थे। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और इसे 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म ऑफ द ईयर का भी खिताब मिला था। इतना ही नहीं इसे 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग्स भी मिले थे। इसका अनोखा गाना हवन करेंगे भी सभी को काफी पसंद आया था और साथ ही साथ इसका स्क्रीन प्ले और गाने भी क्या लाजवाब थे। तीसरी फिल्म है दोस्तों सुल्तान, रे सुल्तान कर दे चटाई। ये शब्द तो आपको याद ही होंगे। इस फिल्म ने सभी को पागल कर दिया था। आपको बता दूं ये किसी का बायोपिक नहीं था लेकिन फिर भी इस फिल्म ने खूब वाह वाह बटोरी थी। इस फिल्म में रेसलिंग स्पोर्ट को दिखाया गया था और फिल्म के मुख्य किरदार थे सलमान खान और अनुष्का शर्मा। दोनों भी रेसलर्स होते हैं और खूब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं लेकिन इसमें एक खिलाड़ी को कैसे अपने जीत पे गुरूर नहीं होना चाहिए ये एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है और इसकी कहानी भी वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया था। अब दोस्तों खुशखबर ये है कि सुल्तान का जल्द ही सीक्वल आने वाला है। जी हाँ, सुल्तान चटाई करने फिर से लौट रहा है। अब ये फिल्म किसका बायोपिक होगी या फिर इसी पार्ट का कंटिन्यूएशन होने वाली है ये तो मेकर्स ही हमें बता पाएंगे, लेकिन तब तक आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स फिल्म कौन सी है। और क्या सुल्तान 2 में आमिर और सलमान खान आने वाले हैं एक साथ नजर? क्या वापस से शुरू होगी कुश्ती या होगा किसी नए खेल का आगाज? क्या सुल्तान के दूसरे पार्ट में बाप बनने को तैयार हैं सलमान खान? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक नई और फ्रेश वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि बॉलीग्राड स्टूडियोज जहां आपको मिलेगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कॉन्ट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। बॉलीवुड के सुल्तान दोबारा से अपने अंदाज में धोबी पछाड़ देने के लिए बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही आने वाले हैं। दोस्तों सुल्तान के अपकमिंग सीक्वल को लेकर कई सारी कनेक्शन, फैन थ्योरीज और अफवाह मार्केट में फैलती जा रही हैं। सुल्तान का जो पहला पार्ट रिलीज किया गया था तब पहले ही दिन से इंडियन ऑडियंस ने सुल्तान को काफी ज्यादा प्यार दिया और फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 589.25 करोड़ का था। वहीं दोस्तों 421.25 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इसकी कमाई थी। अब दोस्तों इतनी बड़ी सक्सेस को देखकर फिल्म के मेकर्स ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट फिल्म का सीक्वल बनाने के बारे में सोचेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट फिल्म के सीक्वल को लेकर ये है कि दोस्तों फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने इसका सीक्वल बनाने का ख्याल सुल्तान के रिलीज के पहले दिन ही कर लिया था। जब उन्होंने देखा कि सुल्तान को पहले दिन ही इतनी बड़ी सक्सेस मिल रही है, आदित्य चोपड़ा ने तभी फिल्म के डायरेक्टर और राइटर अली अब्बास जफर से कहा कि हम इसका सीक्वल भी बनाएंगे। दूसरे ही दिन इस ऑफर को लेकर जब वो सलमान के पास गए, उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म का सीक्वल तक बनाना चाहते हैं, तो सलमान दोबारा से सुल्तान बनने के लिए उसी समय राजी हो गए। अब दोस्तों सलमान काफी ज्यादा खुश थे कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाएगा। फिल्म की सीक्वल की क्या कहानी होगी इस पर काम करना फिल्म के पहले पार्ट के रिलीज के दूसरे दिन से ही शुरू हो गया था। आदित्य चोपड़ा फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रहे थे। अब दोस्तों सुल्तान एक ऐसी मूवी है जिसमें दंगल दिखाया गया है। सलमान सुल्तान अली खान नाम के एक रेसलर का किरदार निभाते हैं जो दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन रेसलिंग का खिताब जीत चुका है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि सुल्तान की तरह आमिर खान की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दंगल। हालांकि दोस्तों ये कोई फिक्शनल मूवी नहीं थी सुल्तान की तरह, ये रियल लाइफ में फोगाट सिस्टर्स के ऊपर बेस्ड फिल्म थी। दोनों फिल्म की आखिर तक एक तरह का किरदार निभाते हैं और दोस्तों दंगल में जहां आमिर खान एक पिता का रोल निभाते हैं, वहीं सुल्तान के सलमान खान पिता बनते बनते रह जाते हैं।
लेकिन दोनों का ही एंड तक कैरेक्टर काफी मिडिल एज का नजर आने लगता है। इसलिए दोस्तों फिल्म के दूसरे पार्ट को कुछ अलग तरीके से पेश करने के लिए इस बार आमिर का दंगल वाला अंदाज ही और उसी तरह का लुक इस बार सुल्तान के सेकंड सीक्वल में दिखाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब एक अहम सवाल भी खड़ा होता है कि जहां एक तरफ सलमान खान जो कि सुल्तान अली खान है और दूसरी तरफ दंगल के आमिर खान जो कि रेसलर फोगाट सिस्टर के पिता हैं, उन दोनों का आखिर एक ही फिल्म में क्या मेल हो सकता है? किस तरह का किरदार निभाते हुए दोनों फिल्मों में नजर आएंगे? दोस्तों बता दूं कि खबरें आ रही हैं कि दोनों ही सीक्वल के तौर पर नजर आएंगे जो कि मिडिल एज में आकर एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। दोनों का ही यंग डेज में कोई ना कोई कनेक्शन दिखाया जाएगा और फिल्म को पूरी तरह से फ्लैशबैक में ले जाकर दोनों की जवानी वाले दिनों में उनकी क्या दोस्ती हुआ करती थी और किस तरह से उनके बीच ऐसी अनबन हुई कि आज दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं, इस तरह की कहानी फिल्म में दिखाई जा सकती है। दोस्तों सलमान की ज्यादातर फिल्मों में देखा है कि फिल्म के पहले पार्ट की कहानी जो खत्म होती है, सेकंड सीक्वल की कहानी वहीं से आगे बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों साफ होता है कि सलमान की उम्र भी कुश्ती ही दिखाई जाने वाली है, लेकिन इस बार खेल को पूरे अलग ढंग से दिखाया जाएगा। हो सकता है कि टोक्यो ओलंपिक्स में किसी रेसलर की कहानी सुल्तान के जरिए दिखाई जाए या फिर कोई नया एलिमेंट फिल्म में पेश किया जाए। अब दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले पार्ट के आखिर तक हम देख चुके हैं कि सलमान खान एक बच्चे के पिता बनते रह जाते हैं और दोस्तों ज्यादातर अपनी फिल्मों में सलमान खान ने जितने भी मिडिल एज रोल निभाए हैं वो कभी भी किसी के पिता नहीं बने हैं। हालांकि उनकी उम्र कितनी हो चुकी है वो फिल्मों में पिता किरदार निभाना शुरू कर दें, लेकिन वही दोस्तों कड़ी मेहनत कर रही है कि फैंस पर यंग स्टार का लुक आता रहे और दोस्तों उन्हें किसी बड़ी उम्र वाले का किरदार ना निभाना पड़े। लेकिन दोस्तों इस बार जैसे कि आमिर खान की उम्र की अटकली लगाई जा रही है, हो सकता है कि दोनों के बच्चे आपस में लड़ते हुए नजर आए। अब अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कौन है? नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। लिस्ट की तीसरी फिल्म क्यों है खास? किस फिल्म ने खोली बॉक्स ऑफिस पर सलमान की किस्मत? सुल्तान 2 से जुड़ी ये बड़ी खबर क्या है? पिछले 10 सालों में सलमान खान बेशक ही बॉक्स ऑफिस के अनडिस्प्यूटेड किंग रहे हैं। यूं तो उनकी हर फिल्म कमाल ही करती है, पर क्या आप जानते हैं कि उनकी पिछली 14 रिलीज हुई फिल्मों ने 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया है? इतना ही नहीं, बॉलीवुड में उनके नाम पर सबसे ज्यादा 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ की फिल्में हैं। आइए आज हम बात करते हैं उनकी हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्मों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम साल 2019 में आई फिल्म भारत का आता है। अली अब्बास सफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट कैटरीना कैफ भी थी। इस फिल्म के रिलीज के बाद भले ही इसे बहुत नेगेटिव रिव्यूज और कमेंट्स झेलने पड़े थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सलमान की अब तक की हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्म है, जिसने पहले ही दिन 42.3 करोड़ रुपीज की कमाई कर डाली थी। उसके बाद नाम आता है 2015 में आई फिल्म प्रेम रतन धन पायो का। सूरज बड़जातिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सोनम कपूर भी अहम रोल में थी। फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और फैमिली मूवीज देखने वाले लोगों ने तो इसे काफी पसंद किया था। वहीं अपनी रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने 40 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया था। लिस्ट में शामिल तीसरी फिल्म के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत खास है। खैर आगे बढ़ते हुए चौथे नंबर पर आती है 2017 में आई फिल्म टाइगर जिंदा है। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कैटरीना लीड रोल में थी, जिसने पहले ही दिन 34.1 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर डाला था। जबकि इस फिल्म का प्रीक्वल यानी कि 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर पांचवें नंबर पर आती है। इसे कबीर खान ने निर्देशित किया था। वही बात अगर ओपनिंग डे के कलेक्शन की करे तो इसने 32.92 करोड़ रुपीस कमाए थे। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की और बताते हैं कि आखिर ये क्यों खास है। इस पोजीशन पर आती है सलमान और अनुष्का शर्मा स्टारर 2016 की फिल्म सुल्तान। एक बार फिर अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्ड 36.54 की कमाई की थी। ये खास इसलिए है क्योंकि इससे किसी को इतनी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन अब ये सलमान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में भी शामिल है।
आजकल ये फिल्म अपने सीक्वल को लेकर चर्चा में है जिसे अली बनाने वाले हैं। फिल्म के लिए मेन कास्ट तो फाइनल हो चुकी है जिसमें सलमान खान, पूजा हेगड़े और सोनू सूद का नाम शामिल है। अब उनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट से जुड़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स हम आप। क्या है विकी कौशल का सलमान खान के साथ पर्सनल कनेक्शन? क्यों जोड़ा जा रहा है विकी कौशल का नाम सुल्तान 2 से? कौन सी एक्ट्रेस आने वाली है सलमान खान के साथ सुल्तान 2 में नजर? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रेश एंड न्यू वीडियो में, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कॉन्ट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। बॉलीवुड के सुल्तान दोबारा से अपने अंदाज में धोबी पछाड़ देने के लिए बॉक्स ऑफिस पर जल्द आने वाले हैं नजर। सुल्तान के अपकमिंग सीक्वल को लेकर कई सारे कनेक्शन, फैन थ्योरीज और अफवाहें मार्केट में फैलती जा रही है। फिल्म के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि सुल्तान अली खान एक मिडिल एज वर्ल्ड चैंपियन रह चुके रेसलर थे जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहते थे। आकाश ओबेरॉय एक प्रो टेकडाउन लीग का मालिक होता है। वो अपनी इस लीग को पॉपुलर करने के लिए भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वो सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देते हैं। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद से बात करता है। तब फिल्म की पूरी कहानी शुरू होती है। फिल्म के पहले पार्ट के लिए अनुष्का शर्मा को सलमान खान की लीडिंग लेडी के तौर पर कास्ट किया गया था, मगर सेकंड पार्ट में इस बार कहानी को अलग ढंग से दिखाना चाहते हैं फिल्म के डायरेक्टर। हाल ही में खबरें उठ रही थी कि विकी कौशल और कटरीना कैफ के बीच में इश्क के तार छिड़ने लगे हैं। साथ ही सलमान खान की फेवरेट कटरीना कैफ के आगे पीछे कौन कौन से लड़के मंडरा रहे हैं, इस बात के पल पल का हिसाब सलमान खान रखते हैं। इसलिए कई बार विकी कौशल और सलमान खान को एक साथ भी देखा गया था। साथ ही विकी कौशल की बढ़ती सक्सेस और कटरीना कैफ के लेवल को मैच कर सके, इसके लिए सोर्सेज से खबरें आ रही है कि सलमान खान विकी कौशल को अपनी फिल्म सुल्तान 2 में एक बहुत ही अहम किरदार के लिए कास्ट कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही कटरीना कैफ विकी कौशल की सीक्रेट रोका सेरेमनी की खबरें मार्केट में जोर पकड़ रही थी, लेकिन सलमान खान की मौजूदगी के बिना अगर ये रस्म हुई तो इसके बाद सीधा विकी कौशल सलमान खान के पास अपनी हाजिरी देने के लिए जाने वाले हैं। शायद अब सलमान खान विकी कौशल से पूछेंगे हाउ द जोश, लेकिन क्या पूरे उत्साह के साथ विकी खुशी से सलमान खान के सामने कह पाएंगे हाय सर? कटरीना कैफ के साथ विकी कौशल की बढ़ती नजदीकियों का ही नतीजा है कि अब सलमान खान विकी कौशल को भी अपने करीब रख रहे हैं। देखते हैं कि क्या ये करीबी सुल्तान 2 तक बनी रहती है या फिर नहीं। कटरीना सलमान खान के साथ कई सारी टॉप फिल्म फ्रेंचाइजी में काम कर चुकी है। कटरीना कैफ इस बार सुल्तान के सेकंड सीक्वल में भी नजर आ सकती है। अब तक किसी भी फिल्म के जरिए कटरीना और विकी की केमिस्ट्री देखने को नहीं मिली है, लेकिन फैंस को दोनों ही जोड़ी ऑन स्क्रीन बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। शायद इसलिए सलमान खान अब बीच में मैच मेकर बन। ये मैच अब इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है, संदीप वर्सेस पाकिस्तान है। जा बेटा। किन फोटो से चर्चा में है पूजा हेगड़े? क्या आजकल पूजा के सितारे हैं आसमान में? हमने अपने चैनल की एक वीडियो में आपको बताया था कि अली अबा जफर अपनी 2016 की सुपरहिट फिल्म सुल्तान का सीक्वल सुल्तान 2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें अब मेन कास्टिंग का काम भी पूरा हो चुका है। जी हाँ, अगर आपको ना पता हो तो बता दे कि जहाँ सलमान फिल्म में लीड एक्टर होंगे तो वहीं उनके ऑपोजिट एक्ट्रेस पूजा हेगड़े होंगी। फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्दी इसका प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू होगा। इसी बीच एक्टर्स की निजी जिंदगियों में क्या चल रहा है, फिल्म से पहले वो क्या कर रहे हैं, ये सब बताना भी तो हमारा ही काम है ना। तो आज हम हाजिर हैं लेके आपके लिए पूजा हेगड़े का ये लेटेस्ट फोटोशूट। हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूजा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कुछ लेटेस्ट फोटो शेयर की हैं। इन फोटोज में पूजा काफी दमदार लग रही हैं। ब्लैक ब्लाउज टॉप के साथ रिप जीन्स के इस लुक में उनकी अदाएं देखने लायक है। लेकिन इनसे अलग जिस चीज का सबका ध्यान खींचा है वो है उनके एक्सप्रेशंस, जिसने सारी स्पॉटलाइट खींच ली है। उनके एक्सप्रेशंस आपको सिंघम अजय देवगन की फिल्म की याद दिला देंगे। यहाँ तक कि खुद पूजा ने भी कैप्शन देते हुए #सिंघम#रॉर ही लिखा है। इससे ये तो पक्का ही है कि हम सबकी तरह पूजा भी अजय और उनकी फिल्म सिंघम की बड़ी फैन है।
वहीं बात अगर पूजा के काम की जाए तो इस समय उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक तरफ जहां उनकी मेगा फिल्म राधे श्याम रिलीज होनी है, तो उसके अलावा वो फिलहाल विजय की फिल्म बीस्ट की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। इसके अलावा रामचरण की आचार्या में भी उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो होगा, जिसमें वो नीलंबरी का किरदार निभा रही है। वहीं बॉलीवुड में रणवीर सिंह के साथ सर्कस तो सलमान के साथ सुल्तान में नजर आएंगी। सुल्तान में पूजा का किरदार एक स्पोर्ट्स एथलीट का होगा, जहां वो हमें तैयार किया जा रहा है सुल्तान 2 के लिए। ऐसी कौन सी ट्रेंडिंग हीरोइन है बॉलीवुड की जिसको सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिलने वाला है इस बार, और कितने बजट में बनाई गई है सुल्तान 2? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान खान की फिल्म सुल्तान की सीक्वल सुल्तान 2 के बारे में। वैसे तो आपको बता दें कि अली अब्बास जफर द्वारा डायरेक्ट की हुई 2016 में रिलीज हुई फिल्म सुल्तान काफी ज्यादा फेमस रही थी और काफी ज्यादा ग्रॉसिंग फिल्म थी। उस फिल्म को इतना ज्यादा प्यार मिलने के कारण अब उसकी सीक्वल भी आने वाली है। वैसे तो पहले वाले पार्ट एक स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म थी, जिसमें अनुष्का शर्मा और सलमान खान एक दूसरे के साथ स्पोर्ट्स साथ ही साथ कुछ रोमांस करते हुए नजर आए थे। दोनों की जोड़ी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी, और ऐसा होता ही है कि सलमान खान की कोई एक फिल्म होती है जिसका सीक्वेंस वो हमेशा बनाते ही हैं। तो ऐसे में अब सुल्तान 2 का इतना अच्छा रिएक्शन मिलने के बाद इसका भी सीक्वल बन ही रहा है। वैसे आपको एक और बात बता दे, हो सकता है कि इस बार हीरोइन चेंज हो जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वैसे तो सलमान खान की सीक्वल में हमेशा पहले वाली स्टोरी ही आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन इस स्टोरी का कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि कोई ये दूसरी ही स्टोरी हो, या ये भी हो सकता है कि उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब सलमान खान अनुष्का शर्मा के पास वापस ना जाए बल्कि कोई और आ जाए। सुल्तान के इतने हिट होने की वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टोरी ही नहीं बल्कि उसके हिट गाने भी थे। उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गाने थे जिसने ना सिर्फ बॉलीवुड पे बल्कि हॉलीवुड या फिर पूरे ही इंटरनेशनली बहुत अच्छे सॉन्ग्स दिए थे। लोग आज तक उन सॉन्ग्स को याद करते हैं, स्पेशली बेबी को बेस पसंद है और जग घूम गया। ये दो सॉन्ग्स तो आपने भी सुने ही होंगे और आपके भी पैर थिरकने लगते होंगे जब आप इन सॉन्ग्स को सुनते होंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है बेबी को बेस पसंद है का रीमेक भी बनाया जाए सीक्वल में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया रेट्रो सॉन्ग को रीमेक करके फिर इसमें डाला जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सॉन्ग एक आइटम सॉन्ग भी हो सकता है जिसके नाम से सुल्तान 2 की सीक्वल में डाल सकते हैं। उस फिल्म के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, स्पेशली उस सॉन्ग के लिए भी। अब आपको उस एक्ट्रेस की बात बता ही देते हैं जो सलमान खान के साथ काम करने जा रही है, तो वो है अभी मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट वांटेड बॉलीवुड की कियारा आडवाणी। जी हाँ दोस्तों, कियारा आडवाणी हाल ही में अपनी एक शेरशाह फिल्म में नजर आई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, जो कि बॉक्स ऑफिस को अभी छू ही गई है। ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी ये फिल्म ने काफी अच्छा किया है और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है। बॉलीवुड कियारा आडवाणी पर मेहरबानी कर तो रहा है, लेकिन हम अब ये भी कह सकते हैं कि कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी काफी अच्छी हो गई है। आप देख ही सकते हैं बॉलीवुड में उनकी कितनी सारी अभी सक्सेसफुल फिल्म्स हैं, जैसे कि कबीर सिंह ले लीजिए, गुड न्यूज़ ले लीजिए, और हाल ही में रिलीज हुई शेरशाह। ये सारी ही फिल्में उनके लिए काफी अच्छी रही है, और तब से हम देख ही रहे हैं कि कियारा आडवाणी का सक्सेस रेट कैसे ऊपर ही होते जा रहा है। अब ऐसे में मेकर्स ने बिल्कुल ही सही चॉइस ली है सीक्वल को लेकर, और वो इसमें कास्ट करने जा रहे हैं कियारा आडवाणी को। वैसे तो हमने देखा ही है यश चोपड़ा जब भी सलमान खान के साथ कोई फिल्म बनाते हैं वो एकदम हिट होती ही है। अब ऐसे में यश चोपड़ा जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा उनको सक्सेस का हाई रेट मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा ना भी हो कि उनकी स्टोरी इतनी दमदार ना हो, तो सलमान खान फैंडम भी कुछ छोटा नहीं है। उनका फैंडम इतना बड़ा है कि उनकी पॉपुलैरिटी के नाम से लोग एक ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। क्या ये फिल्म प्रेगनेंसी के बाद अनुष्का शर्मा की कमबैक फिल्म हो सकती है? क्या अनुष्का शर्मा ने सुल्तान 2 के लिए भरी हामी? क्या हो चुकी है सुल्तान 2 की स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, और मैं हूं आज की होस्ट हस्ती, और लाई हूं सलमान खान की अपकमिंग मूवी सुल्तान 2 से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। दोस्तों, साल 2016 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म सुल्तान तो आपको याद ही होगी। वैसे तो सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन सलमान को न पसंद करने वाले लोगों को भी ये फिल्म काफी अच्छी लगी थी। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं ये सलमान खान के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। दोस्तों, जल्दी आप सलमान खान को फिर से दंगल में दाव लगाते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, स्टार सलमान खान की फिल्म सुल्तान का दूसरा पार्ट आ सकता है।
इस फिल्म का सेकंड पार्ट आने को लेकर के कुछ अहम खबरें सुनने को मिल रही है, जिसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। सलमान खान की फिल्म को जो सक्सेस मिला था, उसकी उम्मीद ना ही सलमान खान को थी, ना ही आदित्य चोपड़ा को। और फिल्म को दर्शकों से मिले इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद आदित्य चोपड़ा ने फैसला कर लिया है कि वो सुल्तान का सेकेंड पार्ट जरूर बनाएंगे। साल 2016 में मिले सुल्तान की सक्सेस के बाद एक न्यूज़पेपर के दिए इंटरव्यू में आदित्य चोपड़ा ने कहा था कि वो सुल्तान का सेकंड पार्ट जरूर लाएंगे। शायद आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये शत प्रतिशत सच है। आदित्य चोपड़ा ने सुल्तान पार्ट 2 बनाने का मन बना लिया है। सुल्तान की कमाई और लोगों के बीच सलमान खान का क्रेज देखते हुए आदित्य चोपड़ा फिल्म का पार्ट 2 जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर और राइटर अली अब्बास जफर को फिल्म के दूसरे भाग की स्क्रिप्ट भी लिखने को कह दिया है। इस बारे में आदित्य चोपड़ा ने जब सलमान खान से बात की तो उन्होंने फट से फिल्म के लिए हामी भर दी, यानी सलमान एक बार फिर बड़े पर्दे पर सुल्तान बनने के लिए बेकरार है। सूत्रों की माने तो फिल्म में सलमान खान के ऑपोजिट आपको फिर से अनुष्का शर्मा ही नजर आएंगी। जी हाँ, ये फिल्म प्रेगनेंसी के बाद अनुष्का शर्मा की कमबैक फिल्म हो सकती है। जाहिर है कमबैक करने के लिए एक शानदार फिल्म की जरूरत होगी, और सलमान खान और एक बड़े बैनर के साथ कमबैक करने का मौका शायद ही कोई एक्ट्रेस छोड़ना चाहेंगी। सूत्रों की माने तो अनुष्का ने आदित्य चोपड़ा को फिल्म करने के लिए हामी भी भर दी है। अब माना जा रहा है कि फिलहाल सलमान खान भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है, इसलिए इस फिल्म की शूटिंग दीपावली के आसपास शुरू की जा सकती है और अगले साल की शुरुआत के कुछ महीनों में। अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पहनना है? ओए एमए नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। किस एक्ट्रेस ने मना किया सुल्तान 2 के लिए एक्टिंग करने के लिए, और ऐसा क्या होने वाला है सुल्तान 2 की स्टोरी, ऐसे कौन सी स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म होने वाली है। हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोड़ा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप कुछ ऐसा ही बॉलीवुड के बारे में हॉट न्यूज स्पाइसेस जानना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं सलमान खान के बारे में, जो कि बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड एक्टर हैं। इनकी एक और फिल्म आने वाली है सुल्तान 2, जिसके लिए वो काफी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी एक स्पोर्ट्स स्टार पर होने वाली है। जैसा कहा जाता है कि उन्होंने काफी ओलंपिक्स में मेडल तो जीते, लेकिन उनका नाम कहीं पे दर्ज नहीं हो पाया। तो आजकल की हम दुनिया में देख ही रहे हैं कैसे बॉलीवुड हर स्टीरियोटाइप और हर बंदिशों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन सुल्तान को एक नुकसान भी सहना पड़ सकता है उसकी एक छोटी सोच के कारण। हालांकि ये सोच कोई इतनी भी बाहर नहीं आई है, लेकिन अगर इस सोच ने आग पकड़ ली तो ये बहुत बड़ी हो सकती है, और वो हमें बाद में तो पता चलेगा ही। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि दीपिका पादुकोण ने सलमान खान की इस फिल्म के लिए शायद मना कर दिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म की फर्स्ट प्रेफरेंस दीपिका पादुकोण को रखा गया था। जैसा कि हम सब देख ही सकते हैं कि दीपिका पादुकोण ने अपनी पिछली कुछ फिल्मों से ऐसे डिमांड की है कि वो मेल एक्टर्स के साथ जितना इक्वल पेमेंट चाहती है। कुछ ऐसी ही डिमांड उनके सुल्तान के साथ भी थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। सुल्तान 2 के मेकर्स ने दीपिका पादुकोण की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, और इसीलिए शायद वो रिप्लेस हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण की इन डिमांड की वजह से उनके हाथ से काफी सारी फिल्में निकलती जा रही हैं, जिनमें से ये एक सुपरहिट फिल्म सीक्वल हो सकती है सुल्तान 2, वो भी उनके हाथ से निकल गई, और इसी कारण उनको रिप्लेस करके किसी और एक्टर्स को ले लिया गया। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित की गई फिल्म सुल्तान को काफी प्यार मिला था, और वो एक ऐसी स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म थी जिसमें सुल्तान एक ऐसा छोटे गांव का लड़का रहता है जो कि एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन जाता है, कुश्ती लड़ लड़के और कुश्ती के खेल में काफी आगे बढ़ जाता है। उसी तरह इस सीक्वल में भी कुछ अच्छा स्पोर्ट्स दिखाया जाने वाला है, और वो एक ऐसे स्पोर्ट्स स्टार की कहानी होने वाली है जिन्होंने काफी मेडल तो जीते, लेकिन उनका नाम कहीं भी दर्ज ज्यादा हुआ नहीं। अब आप जानते ही हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जो ज्यादातर प्रेफरेंसेस क्रिकेट को देता है, और वही स्टार्स उसके काफी फेमस हो जाते हैं, और इसी चक्कर में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स रह जाते हैं जिनकी कोई याद भी नहीं रखता, और जिनके मेडल जीतने के बाद भी उन्हें थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं। कुछ ऐसे ही एक स्पोर्ट्स स्टार की कहानी लेकर आ रही है इस फिल्म की सीक्वल सुल्तान 2 सलमान खान के साथ। इस फिल्म के लिए सलमान खान काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले उनको बॉक्सिंग तो सीखनी पड़ेगी, बाद में उनको बॉक्सर का अंदाज भी सीखना पड़ेगा। सलमान खान अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, और इसीलिए तो उनके फैंस उनको इतना ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी फिल्म देखना इतनी एक्साइटिंग रहती है। तो वैसे ही कुछ होने वाला है इस फिल्म में भी। जैसा कि बताया जा रहा है,
ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यानी कि पंखुरी आप सबके लिए और खास करके सलमान खान यानी कि भाईजान के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। दोस्तों हमने आपको बताया था कि सुपरस्टार सलमान खान और फिल्म मेकर अली अब्बास जफर मिलकर फैंस के लिए 2016 की हिट फिल्म सुल्तान का सीक्वल सुल्तान 2 पर काम कर रहे हैं, जिसका टाइटल अब डिसाइड हो चुका है। फिल्म का टाइटल होगा सुल्तान राइज अगेन, जिसे अली ने रजिस्टर करने के लिए भी दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। वहीं लेटेस्ट अपडेट ये कह रही है कि फिल्म के लिए लीड हीरोइन का चुनाव भी हो चुका है। 2016 की फिल्म में सलमान के साथ अनुष्का शर्मा थी और सलमान तो उन्हीं को वापस लेना चाहते थे, और अब क्या आप जानते हैं कि सीक्वल के लिए सलमान ने अनुष्का को ही सुझाव दिया था, लेकिन अली ने कहा कि वो इस फिल्म की कहानी में बदलाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिल्म में अनुष्का का किरदार नहीं होगा और नए किरदार के लिए उसी चेहरे को लेना किरदार के साथ बिल्कुल भी जस्टिफाई करने जैसा नहीं होगा। वहीं अली ने फिल्म की नई लीड एक्ट्रेस के बारे में भी सोच लिया है। जी हाँ, अली ने फिल्म के लिए पूजा हेगड़े से बात की है, जिन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी है। इतना ही नहीं, अब उन्होंने इस बारे में एक इंटरव्यू में भी कहा है। पूजा ने कहा कि वो सलमान के साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। गौरतलब है कि ये फिल्म स्पोर्ट्स पर बेस्ड एक रोमांटिक फिल्म होने वाली है, जिसके बारे में पूजा ने कहा, जिनकी फिल्म्स देखकर आज तक हम बड़े हुए, जिन्होंने आम जनता को रोमांस करना सिखाया, उनके साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करना कितना अच्छा होने वाला है ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। अली ने जब मुझे फिल्म के लिए अप्रोच किया और बताया कि मुझे सलमान के ऑपोजिट रखा जाएगा, मैं उतने में ही मान गई थी। मैंने अपने रोल के बारे में या कहानी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। मैं सलमान खान के साथ काम करने को लेकर बहुत ही उत्साहित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि फैंस को भी फिल्म उतनी ही पसंद आएगी और वो मुझे सलमान के ऑपोजिट पसंद करेंगे। वही फिल्म के बारे में बताते हुए आपको बता दूं कि इस बार सीक्वल में कहानी काफी अलग होने वाली है। जहां पिछली फिल्म में आपको दोनों ही लीड किरदार रेसलिंग करते हुए दिखे थे, वहीं इस बार सीक्वल में सलमान तो रेसलिंग ही करेंगे, लेकिन पूजा रेसलर नहीं बल्कि बॉक्सिंग चैंपियन होंगी। अब आप ही सोचिए कि जब रेसलर और बॉक्सर आमने सामने होंगे तो क्या धमाका होगा। ट्विस्ट तो ये भी है कि इस बार फिल्म में एक विलन यानी कि एंटी हीरो भी होगा, जो पिछली फिल्म में बिल्कुल भी नहीं था, और ये किरदार सोनू सूद निभा रहे हैं, जिनका किरदार और उनसे जुड़ी बातें हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये मैच अब इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है, संदीप वर्सेस पाकिस्तान है। जा बड़ा। किस विदेशी ने सुल्तान को बनाया देसी? सुल्तान 2 के विजुअल से क्या उम्मीद है फैंस को? कौन है अर्तुर जुरुस की? जानने हैं सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त अनविता पाठक, स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, जहां आपको मिलती है मसालेदार गॉसिप्स और सभी लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों साल 2016 में यशराज फिल्म्स एक ऐसी फिल्म लेकर आए जो स्पोर्ट्स फिल्म होते हुए भी पूरा पैकेज थी, इमोशंस का, रोमांस का, फैमिली वैल्यूज का और पेट्रियटिज्म का। आप क्या समझे बॉस? सुल्तान। अरे हाँ, सही पकड़े हैं। इस फिल्म को भला किसने एंजॉय नहीं किया, और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में एक नयापन लेकर आई थी। इसके कहानी और इसके एसेंस की वजह से ही दर्शकों से इसे इतना प्यार मिला। वैसे सुल्तान के बारे में एक मजेदार बात ये है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं अपने अंदर देशभक्ति और देसीपन लिए हुई थी, लेकिन अगर आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पर्दे पर इस देसीपन को उतारने वाला एक विदेशी इंसान था।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की, जो की थी अर्तुर जोरोवस्की ने। पोलैंड के ये सिनेमेटोग्राफर कितने टैलेंटेड हैं, इसकी झलक तो आपने सुल्तान में देखी ली होगी। इन्होंने बहुत सारी इंटरनेशनल मूवीज की हुई हैं, लेकिन बॉलीवुड की बात करें तो जैकपॉट, भूमि, मर्दानी और सुल्तान जैसी फिल्मों ने इनके ग्राफ को ऊंचा उठाया है। अब बॉलीवुड के गलियारों में खबर है कि जल्द ही इसका सीक्वल भी आने वाला है। तो कौन सा आर्टिस्ट अपनी सिनेमेटोग्राफी के जलवे बिखेरेगा इस बार, क्योंकि जाहिर सी बात है सुल्तान 2 के विजुअल से फैंस कोई भी समझौता नहीं करेंगे। फैंस को उम्मीद है कि इसके विजुअल्स पहले से ज्यादा कमाल होंगे, क्योंकि समय, सोच और टेक्नोलॉजी सब कुछ बदला है। तो आपका क्या मानना है, क्या इस बार भी अर्तुर जोरोवस्की को ही ये काम करना चाहिए या किसी और को भी मौका मिलना चाहिए? अगर आप किसी और सिनेमेटोग्राफर को देखना चाहते हैं तो किसे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में और भी मजेदार अपडेट्स के साथ। और हाँ, आप हमारे वीडियोस देखते रहिए रोज, ताकि मिलती कौन है सुल्तान 2 की एक्ट्रेस, कौन है सुल्तान 2 के डायरेक्टर्स और राइटर्स? क्या सलमान ने बिना किसी झिझक के कर दी थी? हाँ, नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ पंखुरी, और आज लेकर आई हूँ आपके लिए सलमान की अपकमिंग मूवी सुल्तान 2 के कुछ मजेदार किस्से। सलमान खान की फिल्म सुल्तान को रिलीज हुए अभी बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्म से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, खबर पढ़कर यकीनन सलमान के फैंस खुशी से झूम उठेंगे। खबर है कि सुल्तान के बाद अब सुल्तान 2 भी आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यकीनन आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं होगा, लेकिन ये शत प्रतिशत सच है। एक जाने माने अखबार के मुताबिक आदित्य चोपड़ा ने सुल्तान पार्ट 2 बनाने का मन बना लिया है। सुल्तान के पहले दिन की कमाई और लोगों के बीच सलमान का क्रेज देखते हुए आदित्य चोपड़ा ने इसका पार्ट 2 बनाने की सोच ली है। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर और राइटर अली अब्बास जफर को फिल्म के दूसरे भाग की स्क्रिप्ट लिखने को कहा है। इस बारे में आदित्य ने जब सलमान से बात की तो उन्होंने फट से फिल्म के लिए हामी भर दी थी, यानी कि सलमान भी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर सुल्तान बनने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। सलमान के साथ फिल्म में एक्ट्रेस कौन होगी ये तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन हो सकता है कि अनुष्का शर्मा को इस फिल्म में भी रिपीट किया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और एक्ट्रेस को ही मौका दिया जाए। खैर, हसीना कोई भी हो, दीवाना तो सलमान ही होगा। वहीं सुल्तान फिल्म का रिव्यू कुछ यूं था कि सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के सुल्तान हैं। सुल्तान में अनुष्का प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से वो कुश्ती छोड़ देती हैं, तो हो सकता है सुल्तान 2 में सलमान अनुष्का को बैक टू फील्ड के लिए ट्रेन करें, या फिर अपने बेटे को ट्रेन करें, जैसे कि दंगल में भी देखा गया था। सलमान फिल्म में पहली बार लंगोट में नजर आए थे, जिसके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया था कि वो अनकम्फर्टेबल थे, लेकिन फिल्म की डिमांड के कारण उन्होंने ये भी कर दिया। और तो और, सलमान अपने रोल को परफेक्ट तरीके से जीने के लिए रोजाना 4 घंटे की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, कुश्ती की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि सलमान ने ट्रेनर से, जो कि उनके पहले फिल्म में भी ट्रेनर थे, वो दोबारा उनसे कह रहे हैं ट्रेन करने को, यानी कि वो सेम ट्रेनर अब सलमान को सुल्तान 2 के लिए भी ट्रेन कर रहे हैं। खैर, आप सुल्तान 2 को देखने। क्यों थे सुल्तान फिल्म के गाने इतने मशहूर? किस चीज का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिला था फिल्म में? किसकी डील का है दर्शकों को इंतजार? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज लाई हूं अली अब्बास जफर की फिल्म सुल्तान से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो। एक फिल्म को सफल बनाने में जितना बड़ा हाथ कहानी, किरदार और एक्टर्स की परफॉर्मेंस का होता है,
उतना ही बड़ा हाथ फिल्म के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और सबसे इम्पोर्टेंट बात फिल्म के म्यूजिक का होता है। अब 2016 में आई फिल्म सुल्तान को ही ले लीजिए। सलमान खान और अनुष्का शर्मा की ये फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं चली कि इसमें सलमान अलग रूप में थे, पहली बार कुश्ती खेलते दिखे थे, या फिर इसलिए कि सलमान के साथ अनुष्का को देखने के लिए लोग उत्साहित थे और अनुष्का ने भी एक बिल्कुल ही अलग किरदार निभाया था। जी हाँ, ये सच है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, लेकिन आप उस फिल्म के म्यूजिक यानी कि गानों को कैसे भूल सकते हैं। फिल्म के म्यूजिक के बारे में तो क्या ही कहा जाए। फिल्म में हर तरह के म्यूजिक का एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। बेबी को बास पसंद है जैसे पार्टी सॉन्ग से लेकर जग घूमिया जैसा रोमांटिक नंबर या फिर बुलिया जैसा मोटिवेशनल और दुआ वाला गाना। फिल्म में हर तरह के म्यूजिक का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिला, जो इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। कहीं 440 वोल्ट वाले गाने आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं, तो कहीं राहत फतेह अली खान की आवाज में जग घूमिया आपको सुल्तान और अरफा की लव स्टोरी और बिछड़न को याद दिलाता है। उसके अलावा निर्देशक के रूप में अली अब्बास जफर का काम तो है ही लाजवाब। आज तक उन्होंने शायद ही ऐसी कोई फिल्म दर्शकों को दी होगी जिसने ऑडियंस को निराश किया। हर फिल्म में डायरेक्शन, एक्टिंग और म्यूजिक का एक परफेक्ट बैलेंस वो बिठा ही लेते हैं। अली एक बार फिर अपना जादू बिखेरने को तैयार है, और वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि सलमान खान के ही साथ। जी हाँ, अली और सलमान की जोड़ी अपने फैंस के लिए एक बार फिर सुल्तान ला रही है। अरे चिंता मत कीजिए, ये कोई रीमेक या ऑनलाइन गेम नहीं है, बल्कि ये जोड़ी लौट रही है इस फिल्म के सीक्वल के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। अली और सलमान काफी समय से फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद 2021 में लगे दूसरे लॉकडाउन के बीच चीजें फाइनल हुई और अली ने भी फिल्म की कहानी के बारे में सोच डाला। अब कहानी को स्क्रिप्ट में बदलना है, जिसके बाद दिसंबर तक शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। वहीं बात अगर म्यूजिक की करें तो यूं तो अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि फिल्म में एक बहुत ही खास रोमांटिक नंबर होगा, जिसके कॉम्पोजिशन और कॉर्ड के लिए प्रीतम चक्रवर्ती से बात चल रही। अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कौन है? ओए, नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। क्या सुल्तान के सेकंड पार्ट में अनुष्का आएंगी नजर, या फिर होने वाली है किसी नई हीरोइन की एंट्री? क्या सुल्तान के सेकंड पार्ट में किसी ओलंपिक प्लेयर की बायोपिक दिखाई जाएगी? सलमान के सुल्तान 2 के जरिए कोई न्यू एक्टर करने वाला है बॉलीवुड में डेब्यू? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो में, जहां आपको मिलेंगे फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। हमारा आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड के मेगा ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्म देने वाले सलमान खान की अपकमिंग फिल्म के सीक्वल के बारे में। जल्द ही रिलीज होने वाली है सलमान खान की फिल्म सुल्तान का एक सीक्वल। सलमान को फिल्म में लंगोट पहनते देखना फैंस के लिए काफी ज्यादा फनी और एक्साइटिंग रहा था, और अब फिल्म के सीक्वल को लेकर मार्केट में काफी सारी अफवाहें उड़ रही है। ज्यादातर देखा गया है कि सलमान खान की जो फिल्म फ्रेंचाइजी है, उनकी अपकमिंग सीक्वल पहले फिल्म से कहीं न कहीं मैच करते हुए दिखाई देती है। हर सीक्वल की कहानी पिछली फिल्म से आगे बढ़ती है। अगर सुल्तान के सीक्वल में भी इसी तरह की कहानी दिखाई जाएगी, तो जहां तक हमें याद है कि फिल्म जहां खत्म होती है कि सलमान खान रेसलिंग का मैच जीतते हैं और उन्हें। अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कौन है? नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। तुम एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मान। तीन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर बस हो गया, बॉक्सिंग खत्म। ग्लव्स किधर थे?
देखा तुझमें कितनी रेसलिंग बाकी है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। ओलंपिक्स की जीत में क्या सलमान खान का है हाथ? क्या इस जीत का फायदा उठाते हुए सलमान ला रहे हैं अपनी अगली फिल्म? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भाई आजकल मूवी थिएटर्स तो बंद हैं, यानी लोगों के पास एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है। जिन लोगों को टेलीविजन पर सीरियल्स देखना पसंद नहीं है उनके लिए तो ये समय मानो काटे नहीं कट रहा। परंतु ऐसे समय में टोक्यो ओलंपिक्स जनता के लिए सहार बनकर सामने आई है। स्पोर्ट्स और मूवीज का जो नाता है वो तो छुपाए नहीं छुपाया जाता। हाल ही में ओलंपिक्स में रेसलिंग मैच में भारत के रवि कुमार ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ भी हुई है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसको सबको देखकर और सुनकर हैरानी भी हुई है। ऐसे समय में जब लोग रवि को ट्विटर पर बधाई दे रहे हैं, तभी एक ट्विटर यूजर ने यह लिखा कि वेल डन चैंप रवि कुमार, पर उससे भी पहले सलमान खान और आमिर खान का शुक्रिया। अब अगर आप सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ओलंपिक्स में इन दो बॉलीवुड स्टार्स का क्या कनेक्शन रहा है, तो ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये मैच कोई फिक्स या पेड मैच नहीं था, आखिरकार ये ओलंपिक्स है। खैर आगे उस यूजर ने ये भी लिखा कि आप दोनों स्टार्स को भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने सुल्तान और दंगल जैसी फिल्मों से लोगों को इंस्पायर किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हौसला दिया। के बाद फिर क्या था दोस्तों, ये ट्वीट ऐसा वायरल हुआ कि कई लोग इस यूजर के साथ जुड़ गए और सहमति में भी आ गए। वेल कई लोग ऐसे भी थे जो इसका समर्थन नहीं करते हुए दिखे। अगर आपको भी नहीं पता हो तो हम बता दें, फिल्मों में कुश्ती पर आधारित कई ऐसी बॉलीवुड पिक्चर्स बनी है जिसमें से एक काल्पनिक कहानी को दर्शाती थी, तो कुछ ऐसी भी है जो किसी की बायोग्राफी पर आधारित है। एक ने तो यह तक लिख डाला कि रवि कुमार दहिया की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का सारा श्रेय आमिर खान और सलमान खान को ही जाता है, दंगल और सुल्तान के लिए आपका दिल से शुक्रिया। Well, अब लोगों का क्या है, उनका बस चले तो ये भी बोल देंगे कि ओलंपिक्स भी बॉलीवुड स्टार्स की वजह से ही होते हैं। खैर बात अगर की जाए फिल्मों की, तो मैं आपको बता दूं सलमान खान फिलहाल सुल्तान 2 की प्लानिंग भी कर चुके हैं। हाँ ये अलग बात है कि ये प्लानिंग और ये सब क्रेडिट्स रवि कुमार की जीत से पहले ही हुई थी, नहीं तो क्या पता लोग ये भी बोल देते कि ओलंपिक्स में जीत के बाद मिली तारीफ के बाद सलमान ने ये प्लानिंग की है ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिल जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं सुल्तान अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोर्ट कौन है? एमए नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। तू एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानती। क्या सुल्तान 2 में हमें सलमान खान काफी ब्रूटल फाइट्स करते हुए नजर आ सकते हैं, और क्या इस मूवी से YRF अपना एक रेसलिंग यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है जैसे कि उसने अपना एक स्पाई यूनिवर्स भी बनाया है? Hi everyone and welcome to your favorite YouTube channel Bollygrad Studios. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो बेस्ड है एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी यानी कि सुल्तान 2 पर।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुल्तान 2 एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी है और इस मूवी का हर स्पोर्ट्स फैन काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और सलमान खान को तो खास करके उनकी बॉडी के लिए जाना जाता है। और ये बात तो हम सबको ही पता है कि सलमान खान ही वो पहले एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिक्स पैक एब्स रखने का ट्रेंड शुरू किया था और उनके बाद ही कई एक्टर्स ने उनको कॉपी किया जैसे कि जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन ने भी। और कहा तो ये भी जाता है कि सलमान खान अभी भी किसी यंग एक्टर से ज्यादा फिट रहते और वही उनका ये भी कहना है कि जिम ही उन्हें इतना फिट रखने में मदद करता है और उनका कहना है आगे ये भी युद्ध को जरूर करना चाहिए और उनको जिम में एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो आजकल के पॉल्यूशन से भरी एनवायरमेंट में भी अपने आप को फिट रख पाए। अगर हम बात करें कि इस मूवी में सलमान खान काफी ब्रूटल फाइटिंग सीन्स करते हुए नजर आ सकते हैं तो ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि मूवी के डायरेक्टर यानी अली अब्बास जफर का कहना है सुल्तान 2 पहली ऐसी मूवी होगी जिसको सलमान खान पूरे आर रेटेड अंदाज में शूट करने वाली है और इसी के लिए इस मूवी में एज रिस्ट्रिक्शन भी रखी जाने वाली है। और कहा यह भी जा रहा है कि सलमान खान इस मूवी में इतने डेंजरस फाइटर के लुक में नजर आएंगे जो सिर्फ जीतना ही नहीं जानते और इसके लिए वो रूल्स भी तोड़ सकते हैं यानी कि सलमान खान हमें पहली बार एक एंटी हीरो की भूमिका में नजर आ सकते हैं और फैंस इनके इस अवतार को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। और दोस्तों आपको याद ही होगा कि वायरस ने अब अपनी हर मूवी को किसी सीरीज में तब्दील करने का डिसीजन लिया है क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि फैंस को आजकल एक दूसरे से कनेक्टेड मूवीज ही पसंद आ रही है और वो मूवीज को बना रहे हैं मार्वल क्रिएटर लेजेंडरी पिक्चर्स जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और इन तीनों प्रोडक्शन हाउस में अलग अलग यूनिवर्स की मूवीज एग्जिस्ट करती है यानी कि मार्वल में सुपर हीरो यूनिवर्स की मूवीज होती है और क्रिएटर में साइंस फिक्शन वाली मूवीज होती है और लेजेंडरी पिक्चर्स में होती है मॉन्स्टर यूनिवर्स की मूवीज। और इन्हीं मूवी से इंस्पायर होकर वायरस भी अब अपनी अलग अलग मूवी यूनिवर्स बनाने वाला है और यहाँ तक कि उन्होंने अपना अंदाज में थे सलमान खान। उनकी किस फिल्म को करना पड़ा था आलोचनाओं का सामना। 2006 में आई सुपरहिट फिल्म सुल्तान अपने कमाल के एक्शन सीन्स, मारधाड़ और पहलवानी के लिए जानी जाती है। उसके अलावा फिल्म अपने रोमांटिक सीन्स को लेकर भी काफी मशहूर हुई थी। सुल्तान और अरफा की लव स्टोरी लोगों के दिलों में जा बसी जिसने इसे बॉलीवुड की बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में जगह दिला दी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब सलमान रोमांटिक अंदाज में लोगों को नजर आए थे। इससे पहले भी वो कई रोमांटिक फिल्में दे चुके हैं। 1989 में आई इस फिल्म ने सलमान को इंडस्ट्री में पहचान दिलाई थी। सूरज बरजातिया द्वारा निर्देशित फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान के साथ भाग्यश्री भी लीड रोल में थी जिनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी सराहा गया था। कहानी प्रेम और सुमन की है जो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं हालांकि उन्हें परिवार की वजह से अलग होना पड़ता है। 2 करोड़ के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने उस समय 28 करोड़ रुपयों की कमाई की थी जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कबूतर जा और आजा शाम होने आई जैसे गाने तो आज भी याद किए जाते हैं। अगली फिल्म है 2003 में आई तेरे नाम। कहा जाता है कि सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सलमान के करियर को एक नई दिशा दिलाई। फिल्म में वे एक लोकल गुंडे से लेकर मेंटली अनस्टेबल आदमी की भूमिका निभाते हैं। यूं तो फिल्म के सभी गाने बहुत ही फेमस है परंतु उनमें से क्यों किसी को लोगों का फेवरेट है। अगली फिल्म है साल 2015 में आई प्रेम रतन धन पायो जिसमें सलमान के अपोजिट सोनम कपूर थी। यूं तो फिल्म का मजाक भी बनाया गया था। इसमें उनके अपोजिट छोटी उम्र की हीरोइन है लेकिन उसके बावजूद फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला। कहानी सबसे हटकर और शानदार थी। फिल्म के सभी गाने काफी पॉपुलर भी हुए और आज भी याद किए जाते हैं। अब बात वापस से सुल्तान की करें तो खास बात ये है कि अब इस फिल्म का एक सीक्वल बन रहा है। जी हाँ, निर्देशक अली अब्बास जफर फिल्म के सीक्वल पर काफी समय से काम कर रहे थे जिसके बाद अब स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। फिल्म में सलमान एक बार फिर सुल्तान के किरदार में होंगे। हालांकि आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा फिल्म में वापसी नहीं कर रही है क्योंकि इस बार हीरोइन का रोल काफी अलग है जिसका पिछली फिल्म से कोई जुड़ाव नहीं होगा। सलमान के किरदार के नाम के अलावा कुछ भी पहले सुल्तान 2 भी हमें
में देखने को मिलेगा नोरा फतेही का एक आइटम नंबर। क्या आपकी बात सुल्तान 2 को अलिया बात जफर नहीं बल्कि ये फेमस डायरेक्टर करेंगे डायरेक्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो बेस्ड है एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी यानी कि सुल्तान 2 पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुल्तान 2 एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी है और इस मूवी पर हर उस फैन की नजर है जो सलमान खान का फैन है और साथ ही एक स्पोर्ट्स लवर भी है। पर इस मूवी पर सलमान खान की भी नजर है क्योंकि उनकी लास्ट कुछ मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस तो दिया था लेकिन उनकी स्टोरी फैंस को उतनी पसंद नहीं आई थी और इसी वजह से सलमान खान को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। और उनके पापा सलीम खान ने खुद कहा है कि आजकल सलमान खान को अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है और उन्हें भी अपने बेटे से ऐसे परफॉर्मेंस की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पर अब सुल्तान 2 से सलमान खान जरूर फैंस और अपने पापा का दिल फिर से जीतना चाहेंगे। अगर हम बात करें कि क्या सुल्तान 2 में हमें नोरा फतेही का एक आइटम नंबर देखने को मिल सकता है तो ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस है क्योंकि आजकल हर ब्लॉकबस्टर मूवी में नोरा फतेही का एक आइटम नंबर जरूर ही होता है और साथ ही इस मूवी के डायरेक्टर भी जरूर ही नोरा फतेही टैलेंटेड मॉडल डांसर एंड एक्ट्रेस को लेना चाहेंगे इस मूवी में क्योंकि नोरा ने अभी तक काफी सारे ब्लॉकबस्टर आइटम सॉन्ग्स में अपने डांस से फैन को एंटरटेन किया है और वो सॉन्ग से साथ ही साथ ही दिलबर एक कम जिंदगानी। पर अब हम बात करें सुल्तान 2 के बारे में तो उनका आइटम नंबर वाला सीन ही मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन होने वाला है क्योंकि शायद इसी सॉन्ग के बाद सलमान खान फॉरेन कंट्रीज में फाइट करने जाएंगे और कहा यह भी जा रहा है कि शायद से नोरा फतेही के होने से जरूर इस मूवी में फैंस का अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही मूवी का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहेगा बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों आपको याद ही होगा जब आखिरी बार सुल्तान आई थी तो उस मूवी का डायरेक्शन करा था अली अब्बास जफर ने। पर इस बार हो सकता है कि आपकी बार हमें इस मूवी को करण मल्होत्रा डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे क्योंकि स्पोर्ट्स एक्शन मूवीज के लिए वो बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक है और उन्होंने ब्रदर्स जैसी शानदार स्टोरी वाली मूवी को भी डायरेक्ट किया था। जी हाँ दोस्तों और साथ ही अब तो उनको बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो इसी वजह से फैंस को अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा वो भी सोने का। इंडिया का कोड पाना है? ओए हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। तो क्या सुल्तान 2 में होगी अनंत की वापसी और क्या सुल्तान 2 में पहली बार सलमान खान देंगे अरिजीत सिंह को गाने का मौका। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि बेस्ड है एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी यानी कि सुल्तान 2 पर। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि सुल्तान 2 एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी है और इस मूवी का इंतजार तो सलमान के फैंस ना जाने कितने टाइम से कर रहे हैं और फैंस के मन में सवाल है कि क्या अनुष्का शर्मा इस मूवी में हमें वापस दिखाई देंगी या नहीं। तो दोस्तों इसको लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि जब से अनुष्का ने प्रोडक्शन में इंटरेस्ट बढ़ाया है तब से वो काफी कम मूवीज में काम करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और इसलिए ही उनके रिप्लेसमेंट के लिए काफी एक्ट्रेसेस का नाम सामने आ रहा है और वो एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, दिशा पटनी, सई मंजरेकर और दीपिका पादुकोण में से कोई एक हो सकती है। पर दोस्तों इन सारे एक्ट्रेस में सबसे ऊपर दिशा पटनी का नाम है और अगर ऐसा हो जाता है तो राधे की जोड़ी हमें फिर से एक बार साथ देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों हम बात करें कि क्या अनंत की वापसी इस फिल्म में हो सकती है तो दोस्तों इस बात को हम सब जानते हैं कि इस मूवी के प्रीक्वल में जितना क्रेडिट सलमान खान और अनुष्का शर्मा को मिला था उतना क्रेडिट बाकी किसी एक्टर को नहीं मिल पाया था
क्योंकि इस मूवी में सलमान खान थे और उनकी एक खासियत है कि जब वो किसी मूवी में होते हैं तो उनके फैंस बस उन्हें ही देखने के लिए जाते हैं। पर फिर भी किसी एक्टर ने अगर अपने परफॉर्मेंस से फैंस के दिल में जगह बना ली तो उस एक्टर की तो किस्मत ही बदल जाती है। और दोस्तों ऐसे ही दो एक्टर हैं, पहले अनंत और दूसरे रणदीप हुड्डा। और दोस्तों जितने मौके रणदीप को मिले हैं उतने मौके अनंत को नहीं मिल पाए हैं, पर अब अनंत सुल्तान 2 में अपना जादू बिखेरने के लिए फिर से तैयार है। यानी कि दोस्तों अनंत की वापसी हमें देखने वाली है सुल्तान 2 में। साथ ही सलमान अनंत की दोस्ती फिर से फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार है और इसके लिए फैंस के साथ साथ सलमान खान भी काफी खुश लग रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये भी पता ही है कि सलमान खान को बॉलीवुड के भाईजान कहा जाता है, पर काफी बार ऐसी भी न्यूज सामने आती है कि सलमान की एक्टर एक्ट्रेस या फिर किसी सिंगर से कोई दुश्मनी हो जाए या ऐसे ही कुछ हुआ था सलमान और अरिजीत के बीच। दोस्तों बात ऐसी है कि जब सलमान खान अपनी किसी मूवी के प्रीक्वल यानी कि सुल्तान की शूटिंग कर रहे थे तब उस मूवी में एक सॉन्ग था जग घूमिया और इस सॉन्ग को गाया था अरिजीत सिंह ने, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि अरिजीत के सॉन्ग को मूवी से हटा दिया गया और उनकी जगह राहत फतेह अली खान को ये मौका दिया गया। वैसे तो गाना सुपर हिट रहा, पर दोस्तों अरिजीत सलमान के बीच इस मूवी के बाद से कुछ ठीक रिलेशन नहीं रहे और दोस्तों इन दोनों ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया। पर अभी कुछ इयर्स से धीरे धीरे इनके रिश्ते में सुधार आया है और अरिजीत सिंह ने तो एक सॉन्ग सलमान के लिए ही अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट बंद है ना? नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। तुम एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानती। तीन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर बस हो गया, बॉक्सिंग खत्म। क्लास किधर था? दिखा तुझमें कितने रेसलिंग बाकी है। अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट बंद है ना? एमए नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानती। तीन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर बस हो गया, बॉक्सिंग खत्म। क्लास किधर था? दिखा तुझमें कितने रेसलिंग बाकी है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। टाइगर 3 के बाद अब सुल्तान 2 में भी नजर आएंगी ये एक्ट्रेस, और कितना हो सकता है सुल्तान 2 का बजट?
हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बालीग्राज स्टूडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बेस्ड है एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी यानी कि सुल्तान 2 पर। जैसे कि हम लोग जानते ही है सुल्तान 2 एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी है और इसी वजह से सलमान खान के फैंस इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड है। अगर हम बात करें इस मूवी के प्रीक्वल यानी कि सुल्तान का कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था तो इस मूवी ने लगभग इंडिया में 300 करोड़ का ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया था और ये सलमान खान के ब्लॉकबस्टर मूवीज की लिस्ट में थर्ड नंबर पर आती है। पर क्या आपको पता है सलमान खान इस मूवी से ज्यादा बड़ा बिजनेस 2 और मूवीज में कर चुके हैं, टाइगर जिंदा है और बजरंगी भाईजान, और इन दोनों मूवीज ने लगभग 339 करोड़ और 315 करोड़ का बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के टाइम पर। अब सुल्तान 2 क्या सलमान की इन मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम बात करें कि कौन है वो एक्ट्रेस जो टाइगर 3 के बाद हमें सुल्तान 2 में भी नजर आ सकती है तो वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि है हमारी अपनी गॉर्जियस कैटरीना कैफ, और वो हमें इस मूवी में एक कैमियो अपीयरेंस करते हुए नजर आएगी। और ये बात तो हम सभी को पता है कि सलमान कैटरीना की जोड़ी फैंस को कितनी ज्यादा पसंद है और इस जोड़ी की स्टोरी काफी पुरानी रही है, यानी कि जब कैटरीना कैफ ने डेब्यू ही किया था तभी से उनका नाम सलमान खान के साथ जोड़ा ही जाता है। और कुछ दिन के बाद पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं और जल्द ही शादी भी कर सकते हैं। पर इस जोड़ी का भी वही हाल हुआ जो ज्यादातर बॉलीवुड जोड़ियों के साथ होता है, यानी कि ब्रेकअप। पर लास्ट कुछ इयर्स में फिर से ये दोनों साथ दिखने लगे हैं, पर अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि इस मूवी को अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कौन है? एमए नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। तू एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानते। सुल्तान 2 में वापसी करते देखेंगे इस मूवी के प्रीक्वल का एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और टाइगर श्रॉफ इस मूवी में हमें किस भूमिका में नजर आ सकते हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉडीग्राज स्टूडियोस। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बेस्ड है अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी यानी कि सुल्तान 2 पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुल्तान 2 एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी है और इस मूवी को लेकर फैंस में एक अलग लेवल का ही क्रेज रहा है लास्ट 2-3 सालों से। तो अब फाइनली जाके इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि कबीर खान ने इस मूवी से जुड़ी अपनी फैंस को एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट दी है, और वो अपडेट ये है कि अब की बार इस मूवी में अनुष्का शर्मा नहीं बल्कि बॉलीवुड की पटाखा पुड़ी यानी कि आलिया भट्ट दिखने वाली है। और इस खबर को सुनकर कुछ फैंस को खुश हुए हैं, लेकिन अनुष्का शर्मा के फैंस नाराज हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अनुष्का शर्मा के बिना सुल्तान 2 की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। पर अब ऐसा हो रहा है कि इसीलिए फैंस को आलिया भट्ट से भी काफी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि लास्ट टाइम अनुष्का शर्मा का परफॉर्मेंस कमाल का रहा था इस मूवी में। पर बात यह है कि आलिया भट्ट की तो काफी ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस है, वो जरूर इस मूवी में अपना 100% देने की पूरी कोशिश करेंगी ताकि वो सुल्तान 2 जैसी बड़ी मूवी में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत पाए। अगर हम बात करें कौन है वो एक्टर जिनका होने वाला है सुल्तान 2 में रिटर्न, तो बात कुछ ऐसी है कि इस मूवी के प्रीक्वल में सलमान खान और अनुष्का शर्मा की एक्टिंग तो सबको बहुत ही पसंद आई थी, पर एक ऐसा एक्टर था जिसकी एक्टिंग तो काफी कमाल थी पर उनका कैरेक्टर थोड़ा सा अंडररेटेड रह गया था। वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि अमित साथे, और अभी ये काफी र्यूमर्स आ रहे हैं कि शायद उनका रिटर्न हमें इस मूवी के सीक्वल यानी कि सुल्तान 2 में देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो अब की बार जरूर उनके फैंस काफी पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लास्ट ईयर के बाद से अब फैंस मूवी में एक्टिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, और इसके बाद कोई और चीज पर फैंस का ध्यान जाता है आजकल। तो इस वजह से सलमान खान अब अमित शाह को निकालने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, और इससे सलमान खान और अमित शाह दोनों को ही फायदा ही होगा। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि इस मूवी के विलन के लिए काफी एक्टर्स का नाम सामने आ रहा है, इन्हीं सारे एक्टर्स में से जिस एक्टर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है वो है टाइगर श्रॉफ, और इस मूवी में हमें वो सलमान खान से भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं। और ये पहली बार नहीं होगा जब टाइगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करे, वो इससे पहले बॉल
अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ओए में नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। तुम एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानती। तीन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर बस हो गया, बॉक्सिंग खत्म। देखा तुझमें कितने रेसलिंग बाकी है।